आज की इस आठवीं परिचर्चा में अनुप्रयुक्त संस्कृत शास्त्रीय ज्ञान संस्थान चंडीगढ़ और साथ में जुड़े हुए शेष जितने भी अन्य संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये परिचर्चाएं जो हम आयोजित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य ये होता है कि जो हम जानते हैं उससे अधिक जो जानने की इच्छा है, उस कारण से हम इन परिचर्चाओं को आयोजित करते हैं, ताकि हमारे ज्ञान का विस्तार भी हो और हमारे तर्क वितर्क करने में और समझ जो है वो ज्यादा सूक्ष्म हो, तर्क वितर्क करना भी आए और हमारी समझ जो है वो सूक्ष्म भी हो और हमें समझ में आए और हमारी दृष्टि इतनी व्यापक हो कि हम पूर्णता को, जो भारतीय संस्कृति की पूर्णता है, उसको हम समझने के योग्य बन सकें। नहीं तो लोगों की तरह हम व्यवहार करते रहते हैं, जैसे कि किसी कुछ अंधों को कहा गया कि भाई हाथी को परिभाषित करो, तो वो हाथी की पूंछ को कोई पकड़ के और कोई सूंड को पकड़ के जिस तरह का व्यवहार हमारे बुद्धिजीवी करते रहे हैं, उस तरह के व्यवहार से हम बचना चाहते हैं। लेकिन आज की परिचर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं अपने श्रद्धा सुमन आप सब की ओर से अर्पित करना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी को। 12 जनवरी आज है, उनका जन्म दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मुझे उनके विषय में कोई विशेष नहीं कहना, लेकिन एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के रूप में, आप सभी जानते हैं कि उनके जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, कोलकाता में जन्म हुआ और उनका जो गुरु रहे हैं रामकृष्ण परमहंस ब्राह्मण रहे हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने ब्राह्मणों के लिए बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो आपको लग सकता है कि ये विपरीत अर्थ में है, लेकिन उनकी बात का हम मान रखते हैं, स्वीकार करते हैं कि दोषों की ओर अग्रसर, दोषों को वो बताने का, उसका शोधन करने के लिए उन्होंने वो सब बातें कही हैं, इसलिए हम उन बातों का आदर करते हैं कि राष्ट्र को जगाने का जो काम उन्होंने किया है वो वस्तुतः श्रद्धा के पात्र हैं। और सब बातें आप जानते ही हैं, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं ले रहा अपनी ओर से और आप सबकी ओर से जो है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन उनके ये जो मुख्य बात है जिसे मुझे लगता है हम सबको ध्यान देना चाहिए और बड़ी महत्वपूर्ण बात हम सबके लिए है कि वो जो ये कह रहे हैं कि मेरा आदर्श, अवश्य ही थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय बताना, तो ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उनका ये वाक्य है, उनका ये जो प्रेरक वाक्य है वो निश्चित रूप से उसकी वजह से ये श्रद्धा के पात्र है। बाकी सब बातें जानते हैं, विवेकानंद को जानने और समझने के लिए जब कभी हम बात करेंगे तो उनके तीन पक्षों को हम जरूर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कई व्यक्तित्व बड़े व्यापक और विशाल होते हैं और हम अपनी संक्षिप्त बुद्धि से अगर समझने का प्रयास करें तो वो सफल नहीं होता, तो इसलिए कई भागों में उनको विभाजित करके हमें देखना और समझना चाहिए। तो जब भी हम बात करेंगे तो कर्ता के रूप में विवेकानंद का स्वरूप क्या है, भोक्ता के रूप में जो उन्होंने विवेकानंद ने देखा, समझा और भोगा, क्योंकि उन्होंने भी दरिद्रता को देखा, लोगों के कष्टों को देखा और बहुत सारी चीजें हैं, भोक्ता का अर्थ केवल एंजॉयमेंट नहीं है, और ज्ञाता के रूप में विवेकानंद को, तो इन तीन पक्षों से हम विवेकानंद को कभी फिर दोबारा देखेंगे। लेकिन आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सब की ओर से मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी प्रदान करता हूं। चलिए मुख्य विषय की ओर आते हैं जिसके लिए हमने आज निवेदन किया है श्री नीरज अत्री जी को, और उनसे हमने विशेष आग्रह किया है कि वो इस विषय के ऊपर हमारा जो दृष्टि विस्तार है वो हमें हमारा करें और हमारी ये समझ जो है उसको सूक्ष्म करें कि किस तरह से ब्राह्मणों का जो इतिहास है उसको डिस्टॉर्ट किया गया और उसके कौन से पक्षों को सामने नहीं लाया गया। लेकिन अगले 7-8 मिनट में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें साझी करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आई, और उसके आगे की बातें जो है वो डॉक्टर साहब आप लोगों के साथ साझा करेंगे।
भारतीय इतिहास में विशेष रूप से ब्राह्मणों के बारे में जब इंटेलिजेंशिया ने जो कुछ भी लिखा उसमें एक सेल्फ राइटियसनेस का भाव था। कैसे? अपनी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस और ह्यूमन प्रिजम्पशंस के कारण, एक सेल्फ राइटियसनेस के कारण लोगों ने, जो इतिहासकार के नाम पे जो कोई भी थे उन्होंने और सोशल साइंटिस्ट ने जो कुछ लिखा वो उस पर आधारित है। लेकिन आप लोग कम से कम इस बात में तो जरूर देख सकते हैं कि जिस ब्राह्मण की हम बात कर रहे हैं उसके तीन पक्ष हैं। एक पक्ष है जो उसका मिथक से संबंधित है, जिसमें आप देखेंगे कि कई तरह के लोग आते हैं, जिनमें नचिकेता, सत्यकाम और श्वेतकेतु। नचिकेता जो ब्राह्मण है वो कर्म को लेकर के जो जिज्ञासा करता है, प्रश्न से अपने को परिभाषित करता है। सत्यकाम अपने आप को सत्य से परिभाषित करता है और श्वेत केतु जिज्ञासा से अपने को परिभाषित करता है। तो ये ब्राह्मण को परिभाषित करने वाले तीन तत्व हैं। आप इनको मिथक कह लें, आप इनको कहानी कह लें, जो आपके जितना जितनी सोच है उस हिसाब से आप इसको कह सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में ये तीन तत्व हैं जो वस्तुतः ब्राह्मण को परिभाषित करते हैं। फिर इसमें दार्शनिक पक्ष से जब आप देखने लगते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे नॉवल मिलते हैं जिसमें संस्कार, मुझे लगता है कि विशुद्ध रूप से यू आर राव का जो ये संस्कार नॉवल था, विशुद्ध रूप से ब्राह्मणी ब्राह्मणों की संस्कृति को ही उजागर करने वाला था। हालांकि लोग इसको ब्राह्मण के विरोध में कहने वाला एक नॉवल कहते हैं, बड़ा पॉपुलराइज किया, लेकिन मुझे ये लगा कि वो ब्राह्मण को उसकी जिज्ञासा से परिभाषित करने में बिल्कुल सफल रहे। इसी तरह हरमन हेस का नॉवल सिद्धार्थ, बाण भट्ट की आत्मकथा, और ऐसे आप 50 नॉवल्स जो हैं परिभाषित करते हैं ब्राह्मण की संस्कृति को, कि ब्राह्मण वस्तुतः क्या है। फिर तीसरी ओर जब आप आते हैं तो आपके सामने ब्राह्मणों का एक स्वरूप आता है जो कि पेशवाओं में मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद और बहुत 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 सारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी हम चर्चा आज करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम जब हम ब्राह्मण के इतिहास और ब्राह्मण के विषय में बात करने जा रहे हैं तो उसमें इस बात का हम ध्यान रखेंगे, हम कोई बायस्ड होके बात नहीं करेंगे, हम कोई किसी के प्रति द्वेष या घृणा के कारण नहीं बात करेंगे, हम केवल और केवल संस्कृत के इस वाक्य पर आधारित होकर इतिहास की बात करेंगे। नामूलम लिखते किंचन, नान अपेक्षितम कथ्यते किंचन। ना तो कोई बिना मूल के, बिना प्रमाण के कुछ लिखेंगे, न अनपेक्षित कहेंगे कि इधर उधर की बातें मार के अपना टाइम पास कर लिया, ऐसा भी इस परिचर्चा में नहीं। अब जो बात मैं पहले भी कह आया हूं कि ब्राह्मणत्व का व्यापक विषय इतना व्यापक है कि आप उसको उसमें कर्ता ब्राह्मण के रूप में भी आपको देखना पड़ेगा, उसमें सात्विक से लेके तामसिक ब्राह्मण भी आ जाएंगे, आपको उसको भोक्ता के भी तीनों पक्षों को देखना पड़ेगा और ज्ञाता के रूप में भी ब्राह्मण को देखना पड़ेगा, जिसने इस पूरे भारत की कल्पना की, भारतीय संस्कृति की परिकल्पना में अपना योगदान दिया। और फिर ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व है, जिसको लेकर के कभी मनुवाद के साथ जोड़ देते हैं, कभी किसी और चीज के साथ, और न जाने क्या क्या, तो उसको भी आप तीन पक्षों से देखने का प्रयास करें। कैसे? उसका जो पार्थिव पक्ष है, पार्थिव पक्ष का मतलब है कि ब्राह्मणत्व ने जिस रूप में आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक, आपके किचन से लेकर के आपके व्यापार तक को परिभाषित किया है, वहां तक उसकी जो पहुंच है उसका एक पक्ष वो हमें देखना है। शाश्वत पक्ष का अर्थ है ब्राह्मणत्व का कि निरंतर वो जो एक ज्ञान की परंपरा है उसको लेकर के कैसे आज तक चला आ रहा है और वो भविष्य में भी अग्रसर कैसे रहेगा। और चिन्मय पक्ष का मतलब ये है कि ब्राह्मणत्व तो वो कौन से मूल्यों का नाम है जिसके आधार पर हम ब्राह्मणत्व के प्रति आग्रह रखते हैं, जिसमें धर्म शब्द जो है, जिसकी अलग अलग व्याख्या है, लेकिन उसमें दान दया और बहुत सारे जो 10 धर्म के जो लक्षण है वो सारे हैं। इससे पहले मैं आपको दो तीन बातें और बता दूं कि इससे पूर्व हम चार जो वेबिनार्स हैं और सेमिनार्स हैं ICHR के द्वारा स्पॉन्सर्ड, वो इस पे कर चुके हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना। लेकिन मुख्य बात बताने वाली ये है कि चाहे आप ब्राह्मण की और ब्राह्मणत्व की जितनी मर्जी निंदा कर लें, लेकिन स्वराज्य की एक ऐसी अवधारणा है जो ब्राह्मणीय योगदान का उत्कृष्टतम उदाहरण है, स्वराज्य की अवधारणा। और दूसरी तरफ वंदे मातरम जो है,
ये भी आप देखिए कि ब्राह्मणों की दी हुई सबसे सुंदर कंट्रीब्यूशन, उत्कृष्टतम उदाहरण दूसरा ये है। अब पर्पस तो मैं आप लोगों को पहले बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी एक दो पंक्तियां पढ़ देता हूं क्योंकि ताकि मैं ज्यादा समय ना ले सकूं, लेकिन आप स्क्रीन पे बाकी सब कुछ पढ़ लीजिएगा और मैं इसको शेयर भी कर दूंगा बाद में जब हम इसका जिस्ट जो है समरी आपके साथ शेयर करेंगे। द राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्राह्मणिकल हिस्ट्री अलॉन्ग विद अनबायस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। और जो प्रश्न है, हैव ब्राह्मण्स कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ दिस लैंड आर्ट कल्चर साइंस पॉलिटिक्स वार्स एंड मेड सेक्रीफाइसेस टू ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, मुख्य रूप से ये है चीज। और फिर उसके आधार पर हम चाहेंगे कि जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो अपने पर्सपेक्टिव में अपनी राइटिंग्स को करेक्ट करें जो ब्राह्मणों को लेकर के उन्होंने गढ़ी हैं, बनाई हैं, और इसके प्रमाण मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। यही कुछ सवाल और आगे हैं, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता इसलिए मैं जल्दी से इसको पढ़ रहा हूं। और ये भी कि जितना हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते, ब्राह्मण का मतलब पुरोहित, ये कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण का मतलब पुरोहित ही होगा, पुजारी ही होगा, कहाँ लिखा है? और ब्राह्मण का मतलब पंडित ही होगा, ये भी नहीं है। ब्राह्मणत्व तो एक नितांत भिन्न बात है, पुरोहित पुजारी होना या वो पंडित होना वो कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ ब्राह्मणों को प्रेफरेंस मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन उसको कंफ्यूज कर देना पुरोहित के साथ प्रीस्टली क्लास, तो इतनी बड़ी मूर्खता मुझे लगता है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही कर पाते हैं। और फिर जब हम सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं, विशेष रूप से जो फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उनके उन लोगों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या उनसे भी हमें घृणा करनी चाहिए? अगर आप ब्राह्मण से घृणा करते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में पेरियार और इस तरह के लोगों ने जिस तरह का नाटक रचे हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से इतिहास गढ़ा जाता है। बात तथ्यों की करेंगे, बात इंटेलेक्ट की करेंगे, लेकिन बेईमानी कितनी करते हैं, धोखा कितना करते हैं, छल कितना करते हैं, उसके बारे में, तो जो हिस्ट्री आज तक लिखी जाती रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हाउ डज हिस्टोरियन राइट हिस्ट्री, ये आप व्यक्ति से परिचित हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर के बहुत सारे झूठ बोले और शपथ लेकर के झूठ बोले हैं अदालत में, उस पर भी जब हम चर्चा करेंगे तब की बातें हैं। लेकिन प्रोफेसर इरफान हुई बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने को एक्सप्लेन करते हैं, और ये बात कहीं मैं अपनी ओर से नहीं बना रहा हूँ, ये उन्होंने कहा कही थी प्लेटिनम जुबली ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में इंटरव्यू RSTV के, ये आप नीचे देख सकते हैं। क्या वो कहते हैं कि सबसे पहले हिस्टोरियन को क्या करना होता है, कलेक्ट फैक्ट्स, चूजिस हिस्टोरिकल फैक्ट्स, फिर कैसे उसमें करना है, आपने सिलेक्शन कैसे करना है। वो ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 5,000 फैक्ट्स बिफोर मी, देन आई विल चूज फ्रॉम देम से 50 फैक्ट्स दैट आर हिस्टोरिकली रेलिवेंट एंड देन कंस्ट्रक्ट माई एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ दोज चोजन फैक्ट्स। ये इरफान हबीब जो हैं वो इम्पार्शियल हिस्टोरियन हैं। तो भाई फिर अगर ऐसा है तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4,950 फैक्ट्स, वो सब गायब कर दिए बीच में से। इसी तरह आप और देखिए इन हिस्टोरियंस के बारे में, ये प्रोफेसर हरबंस मुखिया क्या कहते हैं, और वो भी कहाँ कह रहे हैं, वो भी अकबर महाराणा प्रताप की एक डिबेट थी उसमें ये चीजें कह रहे हैं, क्या कहते हैं और कहां पे वो, और इस चीज को वो क्लियर भी कहां करते हैं, अनदर मेडिवलिस्ट इन हिज आर्टिकल्स इन BBC एंड एक्सप्लेनेशंस गिवन टू क्वेरीज ऑन द फेसबुक, अबव ऑल सेज मुखिया, ए हिस्टोरियन शुड एंश्योर दैट देयर एनालिसिस इज पॉलिटिकली करेक्ट। क्या कमाल की बात है, ए कंक्लूजन दैट इज नॉट करेक्ट पॉलिटिकली विल नेवर बी वैलिड कंक्लूजन इन हिस्ट्री, ये वो कह रहे हैं। और लास्ट में एन एनालिसिस दैट इज नॉट पॉलिटिकली साउंड इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से इस देश के इतिहास को लिखा गया है। हालांकि मैं तीन चार और भी आपको गिना सकता हूं, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा, वो जब हम हिंदुओं की हिस्ट्री के ऊपर बातचीत करेंगे तो उस विषय पे मैं तब आप लोगों के साथ बात करूंगा। ये कुछ ये एक आर्टिकल है जो कि प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा था
और 1990 में प्लाइट ऑफ ब्राह्मण, और इसमें उन्होंने वो बताया कि किस तरह से अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े दुश्मन कौन थे, ब्राह्मण। अगर वो किसी पे विश्वास नहीं करते थे तो वो ब्राह्मण ही थे, और उनके साथ किस किस तरह की ज्यादतियां की और किस तरह से उनके विषय को लेकर के उन्होंने चीजों को गढ़ा बनाया और अत्याचार किए, वो सारी बातें इसमें विद्यमान है। क्योंकि वो लंबा है इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने अपना ये आर्टिकल लिखा है। अब आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, और ये मैं मटेरियल आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि जो कुछ लगभग 13 पेज के करीब मेरे पास अब इकट्ठा हो गया है मटेरियल इस विषय के ऊपर, कि आप ये देखिए कि किस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं की गई, मर्डर्स किए गए, किस तरह से उनको जैसे कहते हैं उर्दू में नेस्तनाबूद करने की कोशिशें की गई। मोहम्मद बिन कासिम, और ये मैं नहीं कह रहा, अंबेडकर लिख रहे हैं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में वो कोट कर रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट एक्ट ऑफ रिलीजियस जील वाज फोर्सफुली टू सर्कमसाइज द ब्राह्मण्स ऑफ द कैप्चर्ड सिटी ऑफ डेबुल। और उसमें 17 की एज के ऊपर जितने लोग हैं सारे ब्राह्मणों को मार दिया, और बाकी जो नीचे की उम्र के थे और स्त्रियां थी उनको सबको गुलाम बना करके बेच दिया गया। इसी तरह अगर आप और चीजों को देखें, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, कि पोर्चुगीज ने किस तरह से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किए और हत्याएं की हैं, उसी तरह से और देखें। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम एंटी जुडाइज्म एंड एंटी ब्राह्मण कैंपेन स्टार्टेड बाय मिशनरीज इज द बिगेस्ट विलिफिकेशन कैंपेन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये कौन कह रहे हैं? कोएनार्ड एल्स्ट, और अपनी बुक में वो लिए लिख रहे हैं। इसी तरह आप और देख सकते हैं चीजें कि हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया में अगर आप देखें तो सेंट जेवियर, जिसके लोग हिंदू ही चले हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया कि एंटी ब्राह्मणिज्म जो है वो उनके मिशनरी जील का सेंट्रल पॉइंट था कि किस तरह से ब्राह्मणों को उखाड़ना है। और इसी तरह से जो है अगर आप इस अब्दुल कादिर की किताब को देखें, शायद मुझे लगता है डॉक्टर साहब इस विषय पे चर्चा भी करेंगे तो मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन वो कितनी स्पष्टता से लिखता है उनकी श्रेष्ठता के बारे में। एक दो बातें और कह करके मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि कई बार एक जो विषय मुझे हमेशा चुपता सा रहा है, क्योंकि पंजाब में हम लोग रहते हैं, पंजाब हरियाणा पहले तो एक ही था, तो लेकिन कभी मैंने किसी हिस्टोरियन को पंजाब में और हरियाणा में किसी हिस्टोरियन में किसी एक चैप्टर को ये पढ़ाते नहीं देखा जहां पे ये हो कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्राह्मण्स टू सिक्स सिखिज्म। जब भी आएगी बात तो वो इस बात पे आ जाएंगे कि देखो सिखों ने ब्राह्मणों के लिए योगदान दिया, सिखों ने बलिदान कर दिए। भाई ब्राह्मणों ने तुम्हारे लिए जो किया उसके भी तो कभी जिक्र कर लो, और कम से कम इसमें से एक जो विशेष नाम लिया जाता है, बाकी सब छोड़ दीजिए, एक गंगू ब्राह्मण का। हालांकि मुझे इसका कोई प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला, कहानियां जरूर मिलती हैं लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मुझे अभी तक मिला है, बाकी कोई बताएगा तो ठीक है। तो उसी के नाम से सभी को संबोधित करते हैं कि देखो गंगू दी औलादा, दिस इज हाउ दे स्पीक अबाउट एवरी अदर पर्सन। लेकिन कभी वो इस बात के बारे में बात नहीं करेंगे कि 35 ऑथर्स आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब एंड अमंग देम वर 16 ब्राह्मण्स हुज कंट्रीब्यूशन अमाउंटेड टू 45%। फिर भट्ट ब्राह्मण हैं जिन्होंने प्रिजर्व करके रखा गुरु ग्रंथ साहब को। अगर आज गुरु ग्रंथ साहब सभी के लिए उपलब्ध है, आदर के योग्य है, तो उसमें भट्ट ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये सारे के सारे जो हैं तथ्य मैंने इकट्ठे करके आप लोगों के लिए यहाँ दिए हुए हैं। और तो और कि चलिए मैं और, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप नाम देखिए, पंडित तारा सिंह नरोत्तम, राजा खुशाल सिंह जमादार, राजा तेजा सिंह, राजा लाल सिंह, भाई कृपा सिंह, मतलब सतीदास, मतिया, कौन कौन, कितने नाम है
मुझे लगता है कि अगर उसमें से सारे ब्राह्मणों को निकाल दिया जाए, सिखों की हिस्ट्री जो है उसमें मुझे लगता है कि 30-40% का कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी बुक में ये नहीं पढ़ाया जाता। क्या किस तरह के हिस्टोरियंस आप लोग हैं कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब तो पढ़ाएंगे लेकिन ना ना ब्राह्मण की हिस्ट्री के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको नहीं हम गिनेंगे। चलो ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए। तो ये सारे जो चित्र हैं ये किन के हैं? ये ब्राह्मणों के चित्र हैं जो सरदार, जो सिख बने और जिन्होंने अपने बलिदान किए। तो इसलिए अगली बार जब आप किसी की ये बात सुने कि सिखों ने सारे बलिदान करके किए, उनको हम मान्यता देते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी साथ में वो याद रखें कि ब्राह्मणों ने भी बलिदान सिखों के लिए किए। चलिए बात को समाप्त करने से पहले, और इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं डॉक्टर साहब को, मूल रूप से ब्राह्मण के जो हैं वो छह कर्म मनु बताते हैं, जिस किताब को सब कोई जलाने को उद्यत रहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं इस दुनिया के, किताबें जला करके। तो अध्ययन अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम दानम प्रतिगृहस्य ब्राह्मणानाम अकल्पयत। ब्राह्मणों के लिए यही छह कर्म है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना, दान देना। तो कोई अगर इस भ्रम में हो कि वो ब्राह्मणों को देता है तो उसको इस भ्रम से बाहर आना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण साथ ही देता भी। तो ब्राह्मण को हम अक्सर या तो कंफ्यूज कर देते हैं वर्ण के साथ या जाति के साथ, और जाति को किसके साथ कंफ्यूज करते हैं? कास्ट के साथ। और नीरज जी से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात यहीं से आरंभ करें कि जाति, वर्ण और कास्ट ये तीनों एक ही चीज नहीं है, और कैसे इंटेलेक्चुअल जो ये सोशल साइंटिस्ट हैं इन्होंने हत्याएं की हैं विचार की, ये इससे शुरू करें। मनु के अनुसार ब्राह्मण का स्तरीकरण और एक बुद्ध के अनुसार ब्राह्मण का स्तरीकरण, ये मैं आपको दिखा दूंगा कि बुद्ध जो है, जिसकी शरण में अंबेडकर भी जा रहे हैं, वो ब्राह्मणों की प्रशंसा में क्या कह रहे हैं। वो 63 गुण गिना रहे हैं उनके, जो मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चनर साझा भी करूंगा बाद में। ये सारी बातें हो गई। फिर आपको दो तरह के ब्राह्मण और मिलते हैं आपकी परंपरा में, एक उग्र ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं और एक शांत ब्राह्मण में, जिसमें वशिष्ठ आदि की परंपरा है, और दूसरी ओर शस्त्रधारी परशुराम की आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद मुगल की कालीन ब्राह्मण आपको मिलते हैं, जिसमें एक ओर रामानंद तुलसी भक्ति वाले और दूसरी तरफ अपने सेक्रीफाइसेस करने वाले सतीदास, मतीदास और पेशवा आदि से। ब्रिटिश कालीन ब्राह्मण आपको मिलते हैं, जिसमें राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण आदि सारे मिलते हैं, और इधर से आपको जो बलिदान करने वाले मंगल पांडे, सावरकर, राजगुरु, ये सारे मिलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात भी ब्राह्मणों का योगदान आप देखिए कि राष्ट्रवादी ब्राह्मणों के रूप में भी आपको मिलते हैं, और कम्युनिस्ट, सबसे बढ़िया जो कम्युनिस्ट है वो भी ब्राह्मण ही है कमाल की बात है। सेकुलरिस्ट भी ब्राह्मण आपको बढ़िया से बढ़िया मिल जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि उनमें से विप्र होना कौन क्वालिफाई करता है और द्विज होना कौन क्वालिफाई करता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं समय थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, लेकिन क्या करूं, बहुत कुछ जानने को, समझने को, साझा करने को है। तो और ये सब बातें बतानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि श्री नीरज अत्री जी जो डायरेक्टर हैं काउंसिल ऑफ फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज पंचकूला में, वो इन सब विषयों के बड़े प्रामाणिक व्यक्ति हैं। मूलतः वह फिजिक्स से हैं, लेकिन इतिहास के ऊपर जितनी अच्छी पकड़ पिछले 25 सालों में उन्होंने बनाई है, और जो कुछ उनका आप YouTube पे फैन फॉलोइंग देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर की उनकी फैन फॉलोइंग है, और सारा इतिहास और सोशल साइंसेस के ऊपर जो वो बात करते हैं कितनी प्रामाणिक और कितनी सटीक होती है, ये आप उनकी चर्चा में देखेंगे, वो जो कुछ हमारे साथ साझा करेंगे। और उनकी पुस्तक जो ब्रेन वॉश रिपब्लिक जो मैंने पढ़ी, और वाकई मेरे सामने पूरे का पूरा परिदृश्य उभर कर आया कि किस तरह से जो सो कॉल्ड ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स, कॉन्स्टिपेटेड इंटेलेक्चुअल्स थे सेकुलर किस्म के, उन्होंने किस तरह से हिंसा की है भारतीय मानस के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, उसको चुनौती देना, मुझे लगता है अगर हम नहीं करते तो हम अधार्मिक हैं। हमें चुनौती भी देनी है, और जो सही है, ये नहीं कि जो हमारे पक्ष का है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं रहा। जो हम जो उचित है, जो युक्त है, जो सही है, उसको हम सामने रखें। तो इन सब बातों को अग्रसर करने के लिए मैं आप सभी की ओर से आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नीरज अत्री जी को, कि वो हमारे साथ इस सारे विषय के ऊपर
लगभग अगले 40 मिनट हमारे से बात करेंगे, फिर आप सब लोगों की टिप्पणियां और जो भी चर्चाएं होंगी, प्रश्न होंगे, उसको हम लेंगे। तो श्री नीरज अत्री जी, सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर? जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, और आशुतोष जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ताकि मैं आपके साथ ये बात कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने काफी सारा एक ओवरव्यू देके बहुत कुछ कवर कर दिया है कि जब हम ब्राह्मणों के बारे में या हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो ब्राह्मणों की विलिफिकेशन जिसके बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो इनडायरेक्टली सनातन धर्म की या हिंदुइज्म की विलिफिकेशन है। और ब्राह्मण तो एक केवल वो, जैसे हम स्केप गोट कहते हैं, उसे वो कहना चाहिए कि स्केप गोट की तरह ब्राह्मणों को यूज किया जाता है। एक डॉक्टर साहब ने कहा था कि शुरू करें वो जो जाति वर्ण और कास्ट से। जी तो, जी 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 डॉक्टर साहब, ये हमने एक बार पहले भी बात की थी कि कास्ट जो शब्द है कास्टा से निकल के आता है, जो पोर्चुगीज भाषा का है। वहां पर पुर्तगाल में जब ये डार्क एजेस थी, जब मिडीवल पीरियड चल रहा था, तो उस समय पर जो रॉयल फैमिली थी वो बाहर शादी नहीं करते, अंदर ही अंदर उनकी मैरिजेज होती थी, जिसे कास्टा बोला जाता है, कि ब्लड लाइन को प्योर की प्योरिटी को मेंटेन करके रखना। तो वहां से शब्द आता है कास्ट। अब इसका हमारे यहां पर जाति और वर्ण से कोई डायरेक्ट कनेक्शन कोई भी नहीं है। जाति जैसे एक बड़ा ही व्यापक शब्द है, किसी भी ग्रुप को बताने के लिए जाति का शब्द उपयोग हो सकता है, जैसे मनुष्य जाति है या पुरुष जाति है। तो एक अलग ग्रुपिंग है, इसमें ब्लड लाइन का, वंशावली का कुछ लेना देना नहीं है जाति से। कुम्हार जाति है तो प्रोफेशन से जुड़ जाती है वहां पे। और वर्ण मुझे लगता है आप लोग ज्यादा जानते हैं कि जब किसी को कुछ चूज किया जाता है, कि जो अपनी इच्छा से चुना जाता है, तो जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि मैंने इन वर्णों की रचना जो की है गुण और कर्म विभाग देखकर की है। जैसे आजकल हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बोल देते हैं, तो उनसे की है। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने स्ट्रेस इसलिए किया कि आजकल जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा अटैक किया जा रहा है सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, और इसकी जितनी परंपराएं उन सब पे अटैक करके उसे विलीफाई किया जाता है। और जो सबसे बड़ा दोष लगाया जाता है वो यही है कि ये कास्ट सिस्टम है और कास्टिस्ट सोसाइटी है, जिसका अर्थ ये होता है कि शोषण किया जाता है। तो और कभी भी किसी को मलाइन करना हो, किसी को काला करके दिखाना हो, तो उसके लिए बेस्ट होता है कि दो तीन शब्दों को चुनो और उनको लेबल लगा दो इस तरह का, कि बार बार उन्हीं के बारे में बात होती रहे। और यही उन्होंने कास्ट शब्द यूज करके, कास्टिज्म या कास्टिस्ट बोल के करते रहे। और विशेष रूप से जब कोई ब्राह्मण है तो उस पर तो सबसे अधिक आक्षेप ही लगता है कि तुम तो प्रिविलेज्ड क्लास रहे हो, तुम्हारे पास प्रिविलेजेस रही हैं और तुमने बाकियों का शोषण किया है। तो अगर अगर ऐसा है तो या तो ये सच है और या झूठ है। और आज हम जब बैठे हैं तो हम ये बताने के लिए बात करने वाले हैं कि जो ब्राह्मणों को मलाइन किया जाता है, ब्राह्मणवाद के नाम से कहा जाता है, वो सच नहीं है। उसमें कोई एक आधा परसेंट 2% सच हो सकता है, लेकिन उसे जितना आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा करके दिखाया गया है, वैसी वास्तविकता नहीं है। अब जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं तो उसमें अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए, अपने आप को बैलेंस दिखाने के लिए हम दोनों पक्षों की बात करते हैं। कि जैसे अब मैं आज अगर ब्राह्मणों के बारे में बात करने बैठा हूं, तो मुझे अगर अपने आप को इंटेलेक्चुअल या एकेडेमिक दिखाना है, तो उसका थंब रूल ये होता है कि थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट बताओ, थोड़े से पॉजिटिव बताओ, ताकि आप एक बड़े अच्छे न्यूट्रल एकेडेमिशियन दिखाई देते हैं उसमें। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मैं वो काम करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ब्राह्मणों को काला करके दिखाना, मलाइन करना, जातिवादी बताना, ब्राह्मणवादी बताना, ये करने वाली एक पूरी सेना है आज हमारे समाज में। तो वो काम वो कर रहे हैं, तो मैं उनके काम को बैलेंस करने के लिए
ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये जो छल किया जा रहा है वो झूठ पे आधारित है, और ब्राह्मण कोई इक्का दुक्का बुरे भी रहे होंगे कुछ परसेंटेज में अगर हम देखेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज किसी एक पूरे वर्ग को ऐसे मलाइन करना ये ना तो सच्चा इतिहास है और ना ही ये सच्चा एकेडमिक्स होता है। जो सच्चाई के निकट है वो क्या है, आज हम उस पर बात करने का प्रयास करेंगे और मैं अपना पॉइंट उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखने का प्रयास करूंगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं स्पष्टता से ब्राह्मणों की फेवर में बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक बहुत लंबा भाग एक कॉम्युनिस्ट होते हुए बिताया, एक लेफ्टिस्ट होते हुए बिताया है, जिसमें मैंने भी हिंदू बैशिंग या ब्राह्मण बैशिंग की है। और अब जब मैंने तथ्यों को देखा है तो मुझे लगता है कि वो जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, और इसे अगर हम एक सिलसिलेवार शुरू करने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर साहब ने बीच में बात की, जब वो बातें कर रहे थे तो मुझे हर चीज पे लग रहा था कि मैं भी इसमें कुछ बोलूं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो डॉक्टर साहब ने बोला कि इरफान हबीब ने अपने आप ही डिस्क्लोज किया कि मैं 5000 में से 50 फैक्ट्स उठा लेता हूं, विच मींस कि 1% फैक्ट्स उठाकर एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। अब हम क्योंकि शिक्षक हैं तो शिक्षक के लिए जब एक टेक्स्ट बुक बनानी होती है तो एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को जब बताना है तो एक क्लास में बताना है, बच्चे के पास 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं, एक साल में कितना दे सकते हैं, तो इसलिए कुछ अंश निकालने पड़ते हैं उसके। और विशेष रूप से जब सब्जेक्ट हिस्ट्री जैसा हो जिसको कोई बहुत इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता, जैसे बोरिंग समझा जाता है उसमें, तो हिस्ट्री वालों के लिए एक और ये भी चैलेंज आ जाता है। तो अब वो जब कह रहे हैं कि मैं 5000 में से 50 तथ्य उठा लेता हूं, तो उन्होंने कुछ तो ऑनेस्टी दिखाई कि ऐसा करना मजबूरी होती है। मुझे भी यदि आज अगर बच्चों की टेक्स्ट बुक्स लिखनी है तो मैं भी संभवतः ऐसे ही करूंगा, हो सकता है मैं 5000 में से 100 फैक्ट्स उठा के उनसे कंस्ट्रक्ट करूं, लेकिन वहां पे जो ध्यान देने की आवश्यकता होती है वो होता है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कि क्या आप उन्हीं 100 फैक्ट्स से या 50 फैक्ट्स से सारे का सारा जो कुछ घट रहा है उसे वास्तविकता से बता सकते हैं या नहीं बता सकते। क्योंकि एक तरीका तो जो उन्होंने अभी तक अपनाया वो ये था कि उन्होंने 50 फैक्ट्स वो वाले उठाए जो कि मेन स्ट्रीम जो घटनाएं घट रही थी उससे बिल्कुल विपरीत थे, तो उन्होंने झूठ बोला। इसलिए बेटर ऑप्शन ये होती है कि आप तथ्य कम ही उठाएंगे, 5000 आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो वो वाले उठाएंगे जो एक ओवरऑल सच्ची पिक्चर पढ़ने वाले को, बच्चों को, विद्यार्थियों को दे सकती है। तो ये इरफान हबीब से भी अगर पीछे जाएं, उनके पिताजी तक चले जाएं, मोहम्मद हबीब तक, तो वहां से ये शुरू हो जाता है। फॉर्चुनेटली आज जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद राम मंदिर बनने वाला है, जो एक 500 साल की स्ट्रगल के बाद हुआ है। और जो डॉक्टर साहब अभी कोट कर रहे थे कि ये जो सो कॉल्ड हिस्टोरियन थे ये वहां पर राम मंदिर के अगेंस्ट विटनेस देने के लिए गए थे, और इन्हें सुप्रीम कोर्ट से लताड़ भी पड़ी है, डांट भी पड़ी है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम का ये कहना था कि उन्होंने कभी अयोध्या को विजिट ही नहीं किया था, सिर्फ अखबारों के आर्टिकल्स से के आधार पर इन्होंने अपनी विटनेस देनी शुरू कर दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक झूठ बोले गए इनके द्वारा। तो अब मोहम्मद हबीब क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि हम विडंबना सबसे बड़ी क्या है कि आज हम 75 साल बाद कहने को एक इंडिपेंडेंट देश है, इंडिपेंडेंट देश के लोग हैं जो बात कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप कहीं पे एक बहुत लंबी गुलामी के बाद लड़ाई करके स्वतंत्रता लेते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर जो ऑपरेसर ने खड़े किए थे, जिन्होंने आप पे कब्जा किया था, उन सारे ढांचों को, उन सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ते हैं, उनका विनाश करते हैं, और फिर आप स्वतंत्र अपना तंत्र फिर स्थापित करते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप देखें तो आज तक जैसा सिस्टम चल रहा है वो उसी कंटिन्यूटी में चल रहा है।
हालांकि वो ब्राह्मण वाले विषय से थोड़ा सा मैं भटक रहा हूँ, लेकिन वो क्योंकि बैकग्राउंड ऐसी थी तो शायद देना वो इम्पोर्टेंट भी है कि अगर हमने 15 अगस्त 1947 को ही ये डिसाइड कर लिया होता कि हमारी सिविलाइजेशन है, इसे बचाना आवश्यक है, तो राम मंदिर के लिए इतनी कड़वी लड़ाई जो कोर्ट्स में और सड़कों पे लड़नी पड़ी, शायद वो नहीं लड़नी पड़ती। यदि सत्ता ये समझ जाती कि यहाँ पर एक सभ्यता है जिसे बचाने की आवश्यकता है, तो ये काम बहुत सरल था। सरल इसलिए था कि अगर आप 3-4 फैक्ट्स देख लें, वहां पर एक मस्जिद बनी हुई थी जिसे ढांचा कहा जाता है। अब मस्जिद अपने आप में कोई अल्लाह का घर नहीं होता, उसकी कोई सेंक्टिटी नहीं होती है, वो जस्ट एक प्लेस ऑफ कॉन्ग्रेगेशन है। जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है, तो वैसे ही वहां पर वो इकट्ठे होके नमाज पढ़ते हैं, सलात करते हैं वहां पर। और बड़े रेगुलरली सारे इस्लामिक कंट्रीज में कभी सड़क चौड़ी करनी है, कभी स्कूल बनाना, तो एक मॉस्क को हटा के उसे दूसरी जगह पर रेलोकेट किया जाता है। ये वहां लगभग रूटीन में ऐसा काम होता है, तो यहां भी आराम से हो सकता था। ये पहला फैक्ट। दूसरा कि मस्जिद जहां बनी है वो श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है या नहीं उसे छोड़ देते हैं, माना जाता है, तो जो मेजोरिटी है वो चाहती है ऐसा किया जाए, तो बड़े एमिकेबली इसे रिजोल्व किया जा सकता था, पर नहीं किया गया। तो परिणाम ये हुआ कि 500 साल तक एक जंग लड़ाई चलती रही, और सो कॉल्ड आजादी के बाद भी 70-75 वर्ष के बाद ये मंदिर बन रहा है। यही पैरेलल आप दे सकते हैं हमारी जो ब्राह्मणों की व्यथा है उसके साथ भी। अभी क्यों मैंने कहा था कि मोहम्मद हबीब से जोड़ सकते हैं, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने जेल में बैठ के 2 किताबें लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वो अपने आप में कोई हिस्टोरियन तो थे नहीं, तो जो इरफान हबीब के पिता थे मोहम्मद हबीब, वो उनके एक तरह से गाइड और मेंटर थे, जिन्होंने उन्हें समझाया था कि हिस्ट्री तुम कैसे लिख सकते हो। और उन किताबों में इतना झूठ है कि उस पर कभी अगर हम बैठेंगे चर्चा करने, तो शायद 5-6 घंटे हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, कितने झूठ उसमें थे। वही टेम्पलेट आज जब हम ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो आप उससे भी उसी को लिंक कर सकते हैं। इसमें पंडित नेहरू के एक मित्र थे जिन्हें उन्होंने भारत में बुलाया था, जर्मन थे वैसे वो, उनका नाम था विलहम वॉन पॉच हैमर, कुछ लोग पॉक हैमर बोलते हैं, उनका नाम था। तो उन्होंने अपनी किताब में ब्राह्मणों के बारे में एक सेंटेंस लिख दो सेंटेंस लिखे हैं जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वॉट द ब्राह्मण्स एज प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर कल्चर अचीव्ड इन दोज डेज हैज नेवर बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड, प्रोबेबली बिकॉज अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग प्रिसाइजली टू दिस क्लास हैड बीन स्लॉटर्ड। इफ सक्सेस वॉज अचीव्ड इन प्रिजर्विंग हिंदू कल्चर इन द हेल ऑफ द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज, द क्रेडिट अनडाउटेडली गोज टू द ब्राह्मण्स। दे सॉ टू इट दैट नॉट टू मैनी चूज द कवर्डली वे ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड एंड दैट द मासेस रिमेन्ड ट्रू टू द होली ट्रेडिशन ऑन विच कल्चर रेस्टेड। ये नेहरू का फ्रेंड है, वो इंडिया में आता है, वो यहाँ किताब लिखता है और उसमें वो बताता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, और आशुतोष जी जो बार बार बात करते हैं ब्राह्मणों की हिस्ट्री की, उसी के बारे में यहाँ वो भी कह रहे हैं कि इसको डॉक्यूमेंट आज तक किया नहीं गया। तो शायद ये जो हम बात कर रहे हैं इसी और एक छोटा सा बेबी स्टेप कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने क्या किया। और जब वो ये बता रहा है, उस 2-3 शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जो उसने बोले हैं। एक तो उसका कहना है कि इफ सक्सेस वॉज अचीव्ड इन प्रिजर्विंग हिंदू कल्चर इन द हेल ऑफ द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज, तो जिसे वो हेल कह रहा है वो हेल क्या था अगर जानना चाहते हैं, तो एक आजकल टेक्निक होती है जिसे बिफोर एंड आफ्टर कहते हैं, कि जब इजरायली एयरफोर्स जाती है वहां पे बॉम्ब फेंकती है, तो वो एक फोटो दिखाते हैं कि बॉम्ब फेंकने से पहले कैसा था और बाद में कैसा है। तो इस्लाम हमारे देश में जो पहला हमला करता है वो करता है 636 में। लगभग यही समय था जब ह्यूनसांग चाइना से यहां चल के आया था पढ़ने के लिए, और ये पहला हमला इस्लामियों का विफल हुआ था। लेकिन उसी समय ह्यूनसांग जो यहां आया था वो क्या बताता है इस देश के बारे में,
कि यहाँ के लोग बहुत समृद्ध हैं, बहुत हेल्दी हैं और सदा खुश रहने वाले हैं, और यहाँ पर उन्हें कोई मजिस्ट्रेट के पास अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता क्योंकि लोग वैसे ही ऑनेस्ट हैं। और उसके बाद जिस समय यहाँ पर इस्लाम का आगमन हो गया और इन्होंने लूटपाट मचानी शुरू कर दी, इसी हिंसा के हजार साल बाद जब विदेशी यहाँ पर आते हैं तो वो सबसे ज्यादा हैरान क्या हो रहे हैं कि यहाँ पर लोग बिल्कुल गरीब और भुखमरी की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस चेंज को जो विलहेम वॉन है वो हेल ऑफ द फ्यू सेंचुरीज बता रहा है। और ब्राह्मणों ने कैसे रक्षा की उसके अगर हम इसके बीच बीच में समझने का प्रयास करें, तो पिछली बार जब हमने डिस्कशन की थी तब मैंने बताया था कि सबसे पुराना रेफरेंस जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का मिलता है वो हमें मिलता है मेगस्थिनीज का। अब मेगस्थिनीज कौन था? जो आज से 2400 वर्ष पहले यहाँ आया था और उसने यहाँ 12 साल रहकर पाटलिपुत्र में रहा था, जिसे आज हम पटना कहते हैं। तो वहाँ रहते हुए उसने भारत के बारे में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी, डॉक्यूमेंट की थी, तो मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। सब शेयर स्क्रीन कैसे करेंगे? नीचे एक एरो बना हुआ है। मिल गया डॉक्टर साहब। हाँ, और एंटायर स्क्रीन पे जाके उसको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है जी। विजिबल है? हाँ जी, हो गया। ठीक है जी। ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपसे बताई थी कि विलहेम वॉन पॉकहैमर ने बताई है, अब मैं आगे चलता हूँ कि ये है मेगस्थनीज की जो बुक है, इंडिका है उसका नाम। उसमें वो बता रहा है कि यहाँ पर 7 तरह की कास्ट्स हैं, और फिर वो बताता है अमंग दीज आर द सोफिस्ट्स हु आर नॉट सो न्यूमरस एज द अदर्स बट होल्ड द सुप्रीम प्लेस ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर। के ब्राह्मणों को उसने सोफिस्ट लिखा है कि जो सबसे ज्यादा सम्मानजनक माने जाते हैं। और फिर इसी को पेज नंबर 213 पे आके वो क्या बता रहा है कि बाकी की जो जातियां हैं, बाकी के जो ग्रुप्स हैं जिन्हें उसने कास्ट बोला है, वो तो आपस में चेंज हो सकते हैं। इट इज परमिटेड दैट द सोफिस्ट ओनली बी फ्रॉम एनी कास्ट फॉर द लाइफ ऑफ सोफिस्ट इज नॉट एन ईजी वन बट द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। कि केवल ब्राह्मण यदि आप बनना चाहते हैं तो आप किसी भी और वर्ण में से जा सकते हैं क्योंकि उनका जीवन सबसे कठिन होता है। और लेकिन हमें जो आजकल नैरेटिव चलता है उसमें यह बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने अपने लिए सबसे सुख का जीवन चुना हुआ था। एनीवे, अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं प्रेजेंटेशन को यहां पे। अब ये जो रेफरेंस आ रही है ये 8वीं सेंचुरी की है, जब यहाँ पर अरब्स ने आना शुरू कर दिया था। तो वो क्या डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ब्राह्मणों के बारे में कि दे डू नॉट ईट द फ्लैश ऑफ एनी एनिमल एंड बोथ मेन एंड वुमेन वियर येलो थ्रेड्स सस्पेंडेड अराउंड देयर नेक्स। ये इसलिए बताना आवश्यक है कि आज ये बताया जाता है कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने एक नारी विरोधी समाज घड़ लिया था, कि महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बल्कि महिलाओं को तो कुछ भी पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। जबकि यहाँ ये विदेशी हैं, जो मुसलमान हैं, जो यहाँ आए हैं, वो आपको स्पष्ट आके बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण रहते हैं उनके पुरुष भी और महिलाएं भी जो जनेऊ है उसे धारण करती थी। फिर उसके कुछ वर्षों बाद अल बिरूनी यहाँ आता है, वो लिखता है किताबुल हिंद। उस किताबुल हिंद में वो ब्राह्मणों की वही परिभाषा बता रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष जी बता रहे थे कि ब्राह्मण में एम्पल इंटेलेक्ट होना चाहिए, सच्चे मन का होना चाहिए, सच बोलने वाला हो, धैर्यवान हो, जो अभी लक्षण बता रहे थे धर्म के। ही मस्ट बी मास्टर ऑफ हिज सेंसेस, ए लवर ऑफ जस्टिस, ऑफ एविडेंट प्यूरिटी,
ऑलवेज डायरेक्टेड अपॉन वर्शिप एंटायरली बेंट अपॉन रिलीजन, क्यों धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। अब फिर से ये सारे के सारे विदेशियों के रेफरेंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उद्देश्य वही है कि जो नैरेटिव बनाया गया है हम उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आ गया मेगस्थनीज से 1400 साल बाद कोई एक मुसलमान आके क्या कहता है। फिर 13th सेंचुरी में जब मार्को पोलो आता है तो वो भी ब्राह्मणों के बारे में वैसी ही बातें बता रहा है। दे नीदर ईट फ्लैश नॉट ड्रिंक वाइन, आर फेथफुल टू देयर वाइव्स एंड लीड एवरी वे वेरी वर्चुअस लाइव्स। दे टेक नथिंग फ्रॉम एनी वन एंड डू नथिंग दैट कुड बी कंसिडर्ड अ सिन। दे आर ऑल नोन बाय अ सिल्क थ्रेड वॉर्न ओवर द शोल्डर एंड टाइड बीनीथ द ऑपोजिट आर्म सो दैट इट पासिस अक्रॉस बोथ द ब्रेस्ट एंड द बैक। फिर आगे थोड़ा सा मैं स्किप करके आगे जा रहा हूँ। दे आर आइडोलेटर्स एंड रिगार्ड ओमन्स फ्रॉम बर्ड्स एंड बीस्ट्स मोर देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। आई विल टेल यू अबाउट देयर कस्टम्स। लेकिन आप मोटा मोटा देखेंगे तो अब ये 1400 साल का इतिहास हो चुका है मेगस्थनीज से चल के मार्को पोलो तक, जब 1600 वर्ष का इतिहास हो चुका है जब आप 13th सेंचुरी मार्को पोलो तक पहुंचते हैं। तो ब्राह्मणों ने अपनी उसी परंपरा को मेंटेन करके रखा जो आज से 5000 साल पहले लिखी गई महाभारत में मिलती है या मनुस्मृति में मिल जाती है आपको। फिर आगे उसी में जो उसकी किताब है वॉयज थ्रू द इंडियन सीज एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ वेस्ट एशिया, इसके पेज नंबर 304 से 307 तक वो इन्हीं के बारे में बता रहा है। दे किल नो लिविंग क्रीचर, नीदर फ्लाई नॉर फ्ली नॉर हॉग नॉर वर्म, कंसिडरिंग दे हैव सोल, कि उनमें भी आत्मा होती है तो हम उनके। दे स्लीप ऑन अर्थ विदाउट एनी कवरिंग, हेंस इट इज अ ग्रेट वंडर दे डू नॉट डाई, मच मोर दैट दे एंजॉय सो लॉन्ग अ लाइफ। अब यहां पर उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो योगियों के बारे में बता रहा है। तो स्ट्रिक्टली ब्राह्मण, ब्राह्मणों का एक सबसेक्शन आ जाता है इसमें, कि वो 150 से 200 वर्ष तक जीवित रहते हैं और फिर उनके बारे में एग्जैक्टली वही चीजें बता रहा है वो, कि वो किस तरह से बिल्कुल एक साधारण जीवन जीते हैं, फ्रूगल लाइफ स्टाइल है उनका और इसलिए वो एक लंबा जीवन जी लेते हैं। उसे हैरानी हो रही है कि फिर भी ये नग्न शरीर से रहते हुए भी कैसे इतना लंबा जीवन जीते हैं। अब आइए आप उसके 300 साल बाद 16th सेंचुरी में, इसका रेफरेंस आशुतोष जी ने अपनी स्लाइड्स में दिया था। ये एक अलग प्रकार का आदमी है। अभी तक जो मैंने आपसे रेफर किए ये वो लोग थे जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आके जो ऑब्जर्व किया उसे लिखा। लेकिन जब फ्रांसिस जेवियर आता है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो यहाँ पे कन्वर्शन करने के लिए आ रहा है क्योंकि उसने जो जीजुइट स्कूल है वो उसकी स्थापना कर दी थी। अब वो ब्राह्मणों को बिल्कुल उल्टे करके दिखा रहा है। देयर आर इन दीज पार्ट्स अमंग द पेगन्स अ क्लास ऑफ मेन कॉल्ड ब्राह्मण्स, दे आर एज परवर्स एंड विकेड अ सेट एज कैन एनीवेयर बी फाउंड एंड टू हूम अप्लाइज द साल्म विच सेज फ्रॉम एन अनहोली रेस एंड विकेड एंड क्राफ्टी मैन डिलीवर मी लॉर्ड। अब आगे वो अपना उद्देश्य स्पष्ट करता है। इफ इट वर नॉट फॉर द ब्राह्मण्स वी शुड हैव ऑल द हीथन्स एम्ब्रेसिंग अवर फेथ। हीथन्स यानी यहाँ पर जितने भी इनफिडल्स रह रहे हैं, जितने भी काफिर रह रहे हैं, उन्हें हमने कन्वर्ट कर लिया होता अगर यहाँ पे ब्राह्मण नहीं होते। इस हेल की बात जो मैंने शुरू में आपके साथ वो रेफर किया था वो कर रहा था जो जर्मन ऑथर था। अब इसने फिर क्या किया उसके बाद, 16 मई 1545 को इसने एक चिट्ठी लिखी थी पुर्तगाल के राजा को कि यहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इंक्विजिशन को एस्टेब्लिश किया जाए क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, जीव भी हैं, मुसलमान भी हैं, कोई भी क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर होली इंक्विजिशन का ऑफिस एस्टेब्लिश किया जाए। और इंक्विजिशन वैसे अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन उसे बताने के लिए मैं एक ही पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ जो फिर से एक वेस्टर्न हिस्टोरियन ने अपनी किताब में लिखा था। किताब का नाम है एम्पायर ऑफ द सोल। उसमें वो क्या बताता है, चिल्ड्रन वर फ्लॉग्ड
एंड स्लोली डिसमेंबर्ड इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स हुज आईलिड्स हैड बीन स्लाइस्ड ऑफ टू मेक श्योर दे मिस्ड नथिंग एक्सट्रीमिटीज वर एम्प्यूटेटेड केयरफुली सो दैट अ पर्सन कुड रिमेन कॉन्शियस इवन वेन ऑल दैट रिमेन्ड वॉज अ टॉर्सो एंड हेड मेल जेनाइटल्स वर रिमूव्ड एंड बर्न्ड इन फ्रंट ऑफ वाइव्स breasts hacked off and vaginas penetrated by swords while husbands were forced to watch and it went on for 200 years ye aapko ek glimpse deta hai ek jhalak deta hai us nark ki jo hamare purvajon ne bhoga aur jinhe brahmanon ne bachane ka prayas kiya aur bahut star tak wo isme safal bhi hue अब ये तो एक तरफ तो ये क्रिश्चियनिटी है जो इस तरह का काम कर रही थी दूसरी ओर इस्लाम क्या कर रहा था तो 14 सेंचुरी में एक किताब है तारीख अलाई जिसे लिखा था अमीर खुसरो ने जिसे बहुत सारे लोग एक बड़ा अच्छा सच्चा सूफी मानते हैं उस समय पर मलिक काफूर ने हमला किया था और चिदंबरम का जो मंदिर है वहां पर पहुंचता है वो तो वो क्या बताता है इन शॉर्ट इट वॉज अ होली प्लेस ऑफ द हिंदूज विच द मलिक dug up from its foundations with the greatest care in the heads of the brahmans and idolaters danced from their necks and fell to the ground at their feet and blood flowed in torrents usse kuch dashakon ke baad firoz tughlaq aa jata hai jab firoz tughlaq aata hai ab wo pichle wala khilji ka tha फिरोज तुगलक ने क्या किया उसने अपने जो उलामा थे उनकी एक बैठक बिठाता है और उनसे क्या मशवरा करता है कि हमसे एक गलती हो गई है कि हमने जिजिया तो लगाया है लेकिन जो ब्राह्मण है उन पे नहीं लगाया क्योंकि उन पे कभी जिजिया लगाया नहीं जाता था तो फिर वो आगे क्या बताता है द ब्राह्मण्स वर द वेरी कीज ऑफ द चैम्बर ऑफ आइडोलेट्री एंड द इनफिडल्स वर डिपेंडेंट ऑफ देम ऑन देम अब आगे एक फारसी की कोटेशन है कि जो ब्राह्मण है वो बुत परस्ती की खान है इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है इसलिए सबसे पहले हमें जिजिया लगाना था तो इन्हीं के ऊपर लगाना चाहिए था और फिर जितने उलामा थे जो साथ में बैठे थे उलामा यानी जो इनके आलिम होते हैं उनका प्लूरल उलामा कहलाता है आलिम का तो वो फिरोज तुगलक की बात से सहमत होते हैं क्योंकि फिरोज तुगलक अपने आप में भी कुरान पढ़ा हुआ था और इस्लाम को अच्छे से जानता था तो उन्होंने कहा आपकी बात ठीक है तो फिर अब ब्राह्मण जो थे वो इकट्ठे होके आए इसके पास कि हमारे ऊपर जिजिया मत लगाओ क्योंकि कभी किसी ने नहीं लगाया हमारे पास तो कोई कमाई होती नहीं है और अगर आप लगाओगे तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी कि हम यहाँ पर लकड़ियां काट के एक ढेर लगा के उसमें अपने आप को जला लेंगे अब उसके बाद शब्द क्या आते हैं कि जब फिरोज तुगलक ने ये प्लेजेंट वर्ड्स सुने तो उसने कहा कि अगर तुम अपने आप को जलाना चाहते हो तो तुम जला सकते हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हें पेमेंट तो देनी होगी तो कई दिनों तक वो आमरण अनशन पे बैठे हुए थे ब्राह्मण तो बाकी के लोग आते हैं जो बाकी के हिंदू वो उनके पास आते हैं कि आप अपनी जान मत दो जिजिया के कारण आप अपनी अपना जीवन मत बलिदान करो हम आपके जो पैसे हैं हम दे देंगे अब ये एक इंसिडेंट जो है 14th सेंचुरी का ये आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट करता है एक तो नैरेटिव ये चलाया जाता है कि जो इस्लाम जब यहाँ हमारे देश में आया था तो लोग जाति पाति से बड़े दुखी थे ब्राह्मणवाद से बड़े दुखी थे इसलिए वो कन्वर्ट होने को तैयार थे इसलिए वो मुसलमान बन गए जबकि यहाँ आपको ठीक उससे उल्टा दिखाई दे रहा है पहली चीज कि ब्राह्मणों के पास कोई ताकत नहीं थी दूसरी चीज कि वो रेजिस्ट कर रहे थे इन्वेडर्स को तीसरी चीज के आम लोग आज भी ब्राह्मणों को अपना रक्षक मानते थे और वो उनको मरने नहीं देना चाहते थे इसलिए बचा रहे थे और पूरी हिस्ट्री में कहीं पर मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं दिखाई दिया जहां पर कोई लोग क्रिश्चियंस के पास या मुसलमानों के पास गए हों कि हम जाति प्रथा से तंग हैं आप हमें इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो 16th सेंचुरी में आते हैं आप अब यहाँ पे हमारे लिए जो
ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज रिलेटेड इन द अकबर शाही दैट देयर केम अ ब्राह्मण बाय द नेम लॉर्डन हु ड्वेल्ट इन द विलेज ऑफ कनेर हु हैड वन डे असर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मुसलमान्स दैट इस्लाम वॉज ट्रू एज वॉज ऑल्सो हिज ओन रिलीजन. मैंने जो पिछली हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें बताया था कि किस प्रकार से एक मुसलमान एक ब्राह्मण था जो छिके लुक छिप के लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताता रहता था कि लोग उसके घर पे इकट्ठे होते थे पूजा पाठ करते थे और चले जाते थे. तो जो मोहम्मद तुगलक था उसे जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया और जो उलमा था उलमा थे उन्हें बिठाया गया. उन्होंने बोला कि इस पंडित के लिए एक ही ऑप्शन है कि या तो ये इस्लाम कबूल करेगा या इसे मार दिया जाएगा. तो जो राजमहल था उस राजा का सुल्तान का उसके सामने लकड़ियों का ढेर लगा के उस ब्राह्मण को जला दिया गया था. अब आज ये जो मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 16 सेंचुरी का ये है सिकंदर लोदी के टाइम का. अब इसने केवल इतना ही बोला कि तुम्हारा इस्लाम सच्चा हो सकता है मेरा धर्म भी सच्चा है. तो ये बात पहुंच गई उलामा के कानों में. तो वहां का जो काजी था उसने क्या किया उसने उलामा को और इस ब्राह्मण को पेश कर दिया सिकंदर लोदी के सामने. तो सिकंदर लोदी ने फिर से महफिल जमाई सारे उलामा की. उन्हें बुलाया गया जिसमें मुल्ला अब्दुल्ला सैयद मोहम्मद मियां कादम ये सब लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और फिर क्या बोलते हैं इनका कहना है लास्ट लाइन देख लीजिए आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर द उलामा डिटरमिंड दैट ही शुड बी इम्प्रिजन्ड एंड converted to Mohammedanism or suffer death. And since the Brahmin refused to apostatize, he was accordingly put to death by the decree of Ulama. ये जो सिलसिला मैं आपको सिर्फ क्योंकि हमारे यहाँ समय की सीमा होती है तो मैं सारे instances नहीं दे सकता इसलिए मैं अलग दो दो तीन तीन सौ साल बाद के गैप पे जो इस तरह के इंस्टेंसेस हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे सारे ऑड्स अपने अगेंस्ट होते हुए ये ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर रहे थे और उस पे टिके हुए थे. दूसरी ओर गोवा में अब वो जो सेंट जेवियर ने बोला था कि यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया जाए इंक्विजिशन को तो वहां पर कानून बनाए जा रहे थे. अब ये कानून है 4 दिसंबर 1567 में बनाया गया. अब उसमें उसका कहना क्या है कि राजा के डोमिनियंस में शुड नॉट एग्जिस्ट एनी मुस्लिम काजी और हिंदू प्रीचर्स जोशीज जोगीज सॉर्सरर्स गुरुज ऑफ टेंपल्स और एनी अदर पर्सन हु हेल्ड अ रिलीजियस ऑफिस अमंग द हिंदूज और वर द हेड्स और सपोर्टर्स ऑफ द रिलीजन ऑफ हिंदूज. तो यहां मैं एक ब्रेक ले रहा हूं. यहां पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी तक ये दो सुप्रीमेसिस्ट मेजोरिटेरियन रिलीजन्स हैं जो मेजोरिटेरियन तो नहीं बोलना चाहिए सुप्रीमेसिस्ट और जेनोसाइडल टोटलिटेरियन रिलीजन्स हैं जो हमारे देश में पहुंचे और इन्होंने अपने अपने स्टाइल से यहाँ पर साधारण हिंदुओं पर भी और विशेष रूप से ब्राह्मणों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और निरंतर करते रहे. उन अत्याचारों के चलते हुए हजार वर्षों तक ये केवल ब्राह्मण थे जिन्होंने बचा के रखा था. कि आज ये बताया जाता है कि जातिवाद बहुत बुरा है कास्टिज्म बहुत बुरा है लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं होता अगर ब्राह्मण नहीं होते तो हम बहुत पहले ही कन्वर्ट हो गए होते. आज हम जो गर्व से सनातन धर्म की बात कर रहे हैं शायद हम नहीं कर पाते. हम भी यहाँ पर या तो बकरा दाढ़ी रख के इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल रहे होते या हलेलुया बोल रहे होते. नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं. जी स्क्रीन नहीं है. हाँ जी हाँ ओके ओके ठीक है आ गई. ओके जी फिर इसके बाद मैं 18th सेंचुरी में आ रहा हूँ सीधा. उस समय फिर से ऑर्डर इशू किए जाते हैं. गोवा हेडक्वार्टर होता था इनका क्रिश्चियंस का. इट हैज बीन ब्रॉट टू माय नोटिस दैट वेरियस हिंदूज हु आर बाय प्रोफेशन बोटोज. अब ये बोटोज मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था जो भट्ट ब्राह्मण होते हैं उन्हें बोटोज कहा जाता है.
It has been brought to my notice that various Hindus who are by profession Bhat have under false names and pretexts secured permission for living in this land, which is against the practice observed by us. I hereby order that all those who being Bhat by profession have obtained permission by pretending to be something else, leave immediately the lands of this state, notwithstanding the orders which they might have secured. I permit them to be present within the dominions of the king only if they have obtained permission of the tribunal of the holy office. तो सेंट जेवियर ने जो होली ऑफिस की स्थापना करवाई थी उसने 16वीं सेंचुरी में ऑर्डर दे दिया था कि सारे ब्राह्मण उनके शासन जहां तक उनका शासन एक्सटेंड होता है वहां से निकल जाएं। तो बहुत सारे निकल गए लेकिन क्योंकि अब सारा धर्म का ह्रास हो रहा था तो वो सारे रिस्क लेते हुए अपना भेष बदल के आते थे कि जो आम लोग रह रहे हैं उन्हें किसी तरह से बचा सकें और उसका प्रयास करते भी रहे जो आपको इस ऑर्डर से दिखाई देता है जो उससे 200 साल बाद भी इशू करना पड़ा। और इसमें एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जब हम शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं तो लोग अफजल खान के बारे में जानते हैं कि उन्होंने उसे मारा था औरंगजेब से लड़ाई की थी लेकिन उन्होंने क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो काम किया था वो बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर उन्होंने शिवाजी महाराज ने क्या किया कि ब्राह्मणों की बहुत सारे ब्राह्मणों को तैयार किया कि तुम जाओ वहां पर और जिन्हें वो क्रिश्चियन बनाते जा रहे हैं उनको वापस उनकी घर वापसी करवाओ और करवाई भी गई वो। ये अब एक किताब है जो है एनल्स एंड एंटिक्विटीज। ये लिखी थी कर्नल टॉड ने जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री पे बहुत काम किया है। वो किताब तो बहुत बड़ी है। मैं इसमें आपके साथ सिर्फ एक ही चीज जो शेयर कर रहा हूँ ये एक उस किताब का एक पेज है जिसके फुटनोट्स हैं सिर्फ। ये दूसरा फुटनोट देखिए ध्यान से, हिंदुस्तान अबाउंड्स विद ब्राह्मण्स। अब ये सिर्फ 150 साल पुरानी लिखी हुई किताब है। हिंदुस्तान अबाउंड्स विद ब्राह्मण्स हु मेक एक्सीलेंट सोल्जर्स एज फार एज ब्रेवरी इज अ वर्च्यू बट अवर ऑफिसर्स आर कॉशियस फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ एडमिटिंग टू मैनी इन टू अ ट्रूप और कंपनी फॉर they still retain their intriguing habits. I have seen nearly as many of the Brahmins as of military in some companies a dangerous error. और फिर वो ब्रैकेट में लिख रहा है realized in the great mutiny. आप इस पैराग्राफ का इंपोर्ट समझ के देखिए कि 1857 की क्रांति की बात कर रहा है या विद्रोह की बात कर रहा है। चार चीजें इस एक पैराग्राफ में कि हिंदुस्तान में ब्राह्मण बहुत सारे हैं, दूसरा दे आर एक्सीलेंट सोल्जर्स और बहुत वीर है, क्योंकि जनरली ब्राह्मणों के बारे में जो इमेज बनाई जाती है आज प्रोपेगेंडा के माध्यम से वो है कुटल ब्राह्मण की जो कि कायर है, लेकिन यहां आपको एक अंग्रेज बता रहा है कि इनमें ब्रेवरी की कोई कमी नहीं है। और फिर वो अपने ऑफिसर्स को बता रहा है कि इनको एक ही ट्रूप में एक ही कंपनी में ज्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर ये विद्रोह कर देते हैं। तो एक पैराग्राफ आपको सारा समराइज करके दे देता है कि ब्राह्मण कितनी भी विकट स्थिति में रहे तो भी वो हमेशा रास्ता निकालते रहे कि हम किस तरह इस गुलामी से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं जो मैं शेयर कर सकता था लेकिन यहाँ पर क्योंकि समय की सीमा है तो मैं यहाँ पर विराम करने से पहले एक दो बातें और बताना चाह रहा हूँ कि आज जो कम्युनिस्ट हैं या आजकल जिन्हें न्यो बुद्धिस्ट कहा जाता है, जो पेरियारवादी हैं, एक्चुअली पेरियारवादी को बेटियारवादी कहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कि वो अपने आप को एंटी ब्राह्मण शो करते हैं कि हमारे साथ ब्राह्मणों ने अन्याय किया, तो वो कोई नया काम नहीं कर रहे। ये हमारे देश में पिछले 1300 वर्षों से एंटी ब्राह्मणिज्म चल रहा है, ब्राह्मण विरोधी जो सबसे बड़ी सस्टेन्ड कैंपेन है वो हमारे देश में तब से चली आ रही है। शुरू मुसलमानों ने की थी और उसके बाद क्रिश्चियंस ने इसे एक्सेप्ट किया, उसके बाद मार्क्सिस्ट ने किया, आज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसी लाइन पे चल रही हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है
पहली चीज तो ये कोई नया काम नहीं है, और दूसरा ये कि सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश हमें करते रहना है जब तक के हम इन सब मकारियों को इनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देते। जी, तो आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका आभार, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं और फिर उसके बाद आपके। जी आप सबने जो कुछ सुना, जो कुछ उन्होंने सुनाया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जो कुछ नीरज जी ने हमारे साथ साझा किया है या सुनाया है, वो मुझे लगता है कि शायद वो 0.1% होगा जितना व्यापक ये विषय है। इतिहास में और सोशल साइंसेस में जिस प्रकार से ब्राह्मण को और ब्राह्मणत्व को प्रस्तुत किया गया है ब्राह्मणिज्म बना करके, जबकि ब्राह्मणिज्म नाम की कोई टर्म नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी का जितना जितना जिसने जो पढ़ा होता है वो उस हिसाब से बोलने लगता है, लेकिन ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण ने जो इस देश के लिए बलिदान किए और जो उनका एक व्यापक दृष्टि रही है, विजन रहा है मनुष्यता का, उसको दबा दिया गया और एक ऊपर से लाए हुए कैपिटलिज्म सोशलिज्म टाइप के जो ऐसे टूटे फूटे से विचार है, उससे जो है वो इस देश के मानसिकता के साथ, यहाँ के संस्कृति के साथ जो है वो घात किया गया। तो डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है वो निश्चित रूप से हमारी आंखें खोलने वाला है, और मेरी ये बड़ी इच्छा है कि किसी तरह से इस देश का जो आख्यान है, नरेटिव है, डिस्कोर्स है, नेगेटिव डिस्कोर्स है, वो बदला जाए। तो ये उसमें एक छोटा सा प्रयास है, और आप लोगों को एक कुछ बिंदु दिए गए हैं, और मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन और शेयर करता हूं, और उसके बाद डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी को टिप्पणी के लिए आमंत्रित करूंगा। कि जैसे मैंने बीच में भी एक जगह आप लोगों के साथ ये बात साझी की थी कि डॉक्टर अंबेडकर बड़ा होने के भी उन्होंने बड़े धर्मों को देखा और फिर उसके बाद बुद्धिज्म में चले गए, एक लेकिन जब वो बुद्धिज्म की शरण में गए तो वहां उन्होंने आप देखिए कि वो वहां पर बुद्धिज्म में बुद्ध भी जो हैं ब्राह्मण के बारे में क्या कह रहे हैं और कैसे वो प्रशंसा कर रहे हैं, और इसका एक सर्वे फॉर्म में अभी निकालूंगा। अगर आप इस बात को देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणी व्यवहार की मूल्यांकन पद्धति बुद्ध की करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को खुद मूल्यांकन कर पाए। जैसे कि ये जाति व्यवस्था नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है, तो हम उस वर्ण में कहां तक किस स्तर पर हैं, ये सारे प्रश्न आप देख 63 गुण जो हैं वो गिनाए हैं जिनको हमने क्वेश्चनेयर में बदल दिया, और ये कहां से लिए हैं, धम्म पद में ब्राह्मण वर्ग से लिए हुए हैं, और सभी को क्वेश्चन में बदल दिया है। आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप में ब्राह्मणत्व तो कितना है। तो निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जात्या जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, वर्ण से ब्राह्मण है। जाति तो पशु जाति भी है, तो उसके लिए कास्ट शब्द भी इस्तेमाल कर लो ना, लेकिन वैसा हम नहीं करते। तो ये कुछ एक बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए और समझना भी चाहिए, और इसको हम विस्तार देंगे निकट भविष्य में। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रविंद्र कुमार गुप्ता जी को, वो अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझी करें। नमस्कार सभी को। सर वैसे जो प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा था, आशीर्वाद जी उसमें कुछ तो आपने उसका उत्तर दिया है, पर्टिकुलरली डॉक्टर अम्बेडकर के संदर्भ में। आज जब मेरा जो नीरज जी से मैंने वक्तव्य सुना, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि जैसे जो जन्म से ब्राह्मण थे जी या हैं, वो वक्तव्य वहां तक सीमित है, ना कि कर्म से। क्योंकि जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं, नाम दिए हैं, तो यही एक कारण लगता है मुझे कि जो वर्तमान में जिसे आप कहते हैं ना ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, जी जी जी, उसके पीछे एक ये कारण भी हो सकता है कि वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि देखे हम,
नीरज की बात जिसे मैं असहमत नहीं हूँ, लेकिन व्यवहारिक बात कर रहा हूँ मैं जी, वो व्यवहारिक बात कर, जो जन्म से ब्राह्मण है हमने उसको ब्राह्मण मान लिया जी जी, जबकि ऐसा था ही नहीं। क्योंकि मेरे को तो एक बात ध्यान में, आपने मंगल पांडे की बात करें, आप चापेकर बंधुओं की बात करें, वो भी ब्राह्मण थे और बौद्ध थे, लेकिन ये परंपरा कोई 1857 या उस समय की नहीं है जी। महाभारत में भी द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है, शस्त्र तो उन्होंने भी उठाया है और किसी ने रोका नहीं जी, परशुराम जी भी ब्राह्मण थे, उनको भी नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि केवल हम इसके लिए क्रिश्चियनिटी को या इस्लाम को दोष देने के साथ साथ हम अपने अंदर भी झांकें कि जिसके कारण क्या कारण है कि हमारे यहाँ पर कब था शुद्र अछूत नहीं था। हुआ क्या है वास्तव में सर कि शास्त्रों में तो गुण कर्म के आधार पर वो तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन था जी जी, हमने इसको कर दिया वर्टिकल जी। बिना मनुस्मृति को पढ़े हमने एक उन्होंने प्रतीक लिया था जी, कि ब्राह्मण का जन्म जो है सिर से हुआ, वो तो अर्थ तो वास्तव में केवल ये था कि ब्राह्मण जो है ज्ञान का प्रतीक है जी जी, तो वो बात वो प्रतीकों के साथ हमने उसके पीछे की दार्शनिकता को छोड़कर जी प्रतीक को एज इट इज ले लिया, जिसके कारण चाहे वो दक्षिण में पेरियार आए या आप यदि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े अंबेडकर की उसमें भी आपको मिल जाएगा उदाहरण जी। तो व्यवहार में मैं ये देख रहा हूं कि ब्राह्मणीय तत्व जिसकी अशोक जी आपने बात की थी जी, उसके ऊपर नहीं लिखा गया, उसकी विवेचना नहीं की गई जी। और जाति पर आधारित ब्राह्मण और कर्म की जगह कर्मकांड जी को प्राथमिकता दिए जाने के कारण एक सामाजिक वातावरण जन्म पर आधारित ब्राह्मणों के विरुद्ध बनाया गया जी। दूसरी ओर जन्म पर आधारित ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया, तो ये जो दो विरोधी तत्व थे इन दोनों के बीच के संघर्ष को भी हमें वर्तमान संदर्भ में समझना पड़ेगा, तभी हम ब्राह्मणीय तत्व के, क्योंकि ब्राह्म आपने आशीष जी बहुत अच्छी बात एक बात कही थी आपने उसमें कि ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है जी। अब जैसे मोटे तौर पर प्रतीकात्मक रूप से ले रहा हूं मैं जी, इसको अदरवाइज ना लिया जाए, मैं अक्सर कहा करता था अपनी क्लास में कि भी मेरी जाति क्या है। एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सर, मेरा जन्म जो है एक व्यापारी वर्ग में हुआ, मेरे माता पिता मेरे पिताजी ने खेती बाड़ी करी, जाने के वो क्षत्रिय हो गए जी, वैश्य से क्षत्रिय हो गए, मैं शिक्षा जगत में आ गया तो मैं ब्राह्मण हो गया जी। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप मुझे किस श्रेणी में रखेंगे, ये एक मेरी बड़ी समस्या है। नहीं नहीं ये समस्या नहीं है, इसका नहीं, वो इसलिए समस्या है सर, वो इसलिए समस्या है, नहीं वो समस्या इसलिए है क्योंकि चूंकि वो हमारे यहाँ परिपाटी चली रही है, सामाजिक व्यवहार चला आ रहा है कि भी नाम के पीछे जाति लिखें आप। सर यहाँ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर कि कैसे जन्म पर आधारित जातीय व्यवस्था को हमने कानूनी स्वरूप दिया है। सर एक मिनट लेके खत्म कर रहा हूँ बात, वो क्या है कि जब मैंने अपनी पोती के लिए बचपन में पासपोर्ट बनवाने की बात आई तो हमने उसके नाम के आगे गुप्ता नहीं लिखा था जी। हमें फिर बताया गया कि यदि ये गुप्ता नहीं लिखेंगे तो 12वीं के बाद समस्या खड़ी हो जाएगी आपको जी, क्योंकि उनके मेरे बेटे के सीनियर के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, यानी कि हमें अपनी कास्ट या गोत्र लिखना जरूरी है यदि आपने पासपोर्ट बनवाना है। अब इस कानूनी व्यवस्था को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तो जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को कैसे तोड़ेंगे, और फिर हम बातें करेंगे बड़ी बड़ी ये हमारी पंथ निरपेक्षता के नाम पर जो सरकारें सभी हैं आज तक की, तो
छोटी छोटी बातें लेकिन जो कि मैं समझ बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी ओर भी हमें ध्यान देना होगा। धन्यवाद। आप टिप्पणियां हैं डॉक्टर साहब, आपकी आवाज कट गई थी। अभी कट रही है, आ रही है कि नहीं? अब आ रही है। नहीं, फिर कट गई आवाज। एक तो संविधान है जो आपको नहीं छोड़ने दे रहा, ये जो कास्ट सिस्टम के रूप में जाति को आप लेकर के आए हैं, आवाज कट गई डॉक्टर साहब आपकी। वो शायद बोल भी रहे हैं कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। हाँ जी, आवाज आ नहीं रही है जी। मुझे लगता है कि ब्राह्मण तत्व विरोधी ताकतों ने आशुतोष जी पर लगता है कोई आक्रमण कर दिया है। हाँ जी, या अल्लाह का अजाब आ गया कहीं से। तब तक जब तक वो जुड़ते हैं, यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो हम आपस में कर सकते हैं। हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगा अगर आप जी अलाउ जी। करें तो। सबसे पहले दंडवत साष्टांग प्रणाम जितने भी यहाँ पर मतलब आप सभी को दंडवत साष्टांग प्रणाम बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से जिस तरीके से ये एक टॉपिक हम अपने समाज में लाना चाह रहे हैं, आई थिंक इट इज वेल अपलॉडेड एंड नीड ऑफ द आवर। जैसे नीरज जी आपने जिस तरीके से अपनी परतें खोली, ज्ञान की परतें, तो वो जब तक हम पास्ट को हम अपना रूट को नहीं जानेंगे तो अपने को कोई मजा नहीं आएगा। तो आप आपकी काबिल तारीफ, जिसको बोलते हैं कि तारीफ ही काबिल, मतलब आपकी मतलब प्रशंसा करना चाहूँगा जिस तरीके से आपने पन्ना दर पन्ना वो जो बातें आपने सबके सामने रखी, एटलीस्ट मेरे लिए तो एक ऐसा लगता है कि वो 1400 सेंचुरी हो या 600 सेंचुरी हो, जिस तरीके से आपने जो महत्वपूर्ण तथ्य है सामने रखना और वो नीच मेंटालिटी को सामने दर्शाना, और वही चीज चली आ रही है। आज अगर हम देखें जो युद्ध हो रहा है, जिस तरीके से ये सब लोग कर रहे हैं, ये हमको आज की जनरेशन में ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, बट ये तो पहले भी हो रहा है। ये मेरे को आज पहली बार जानने को मिला, मतलब जिस तरीके से आपने सामने रखा है ये काफी ज्यादा जरूरी चीज है जानना। बाकी जहां पर बात है ब्राह्मण, देखिए अभी जैसे जैसे जमाना बदल रहा है हमको भी अपना अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने अपने विचारों को जैसा चल रहा है वैसे सीमित रखें, क्योंकि ये जो हम ब्राह्मण की 6 क्वालिटीज की बात करते हैं, आप जानते हैं कि आज समाज में सब कुछ बिकता है। तो अगर हम जैसे हम डिग्रीज बना रहे हैं, MBA बना रहे हैं, और कोई भी आप डिग्री लीजिए, सर्टिफिकेशन चल रही है, तो हमको अपने आप को मेरी आवाज आ रही है क्या आप सभी को? अब आई है, अब आई है। आशुतोष जी आवाज आ रही है? अब आ रही है? आ रही है। पहले नहीं आई? नहीं, पहले नहीं आ रही थी। ओहो, बड़ी गड़बड़ हो गई फिर, यहाँ से कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, बट एनीवे चलिए। चलो, वो तो इसका मतलब जो मैंने पॉइंट्स दिए थे वो रह गए,
लेकिन अभी मैं छोड़ देता हूं। तो सदानंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद डॉक्टर एम एस राजपुरोहित जी। यस सर जी सर जी प्लीज। आफ्टर हियरिंग द वेल प्रेजेंटेड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड ideas, what came to my mind, I will tell at the end. That is part of the history. But before that, how much do we have control over our history? How much do we have control over our present, the current affairs, what is happening around? And how much control do we have on the future of our country, our population, our society? So in this regard, we have to understand our limitations. Whatever has happened has happened. I am just referring to one speech by former American President Bill Clinton. It is pertaining to the present situation where the theater of war is there, everybody are seeing it. What he said was, suppose we are too much enthusiastically, minute points, evaluating the history, then we have to think what will happen. We have to have a balance of, suppose we are going on repeating the cycles of revenge, what will happen? No, I am just thinking aloud with you, that's all. History we have to study without referring to the history. It is not possible to do anything. I am from a different discipline, not from political science or from philosophy. I am from purely psychology, psychiatry, development of children. And from that point of view, we have to have a balance. History is needed. Without referring to history, if we are doing anything, it is completely wrong. It doesn't have any meaning. So the correctional ways we have to think about. Where have we gone wrong? Have we means our forefathers or what? Whatever has happened has happened. Now, coming to the opposite of what we have presented, heard today, let us refer back to the period of Sarojini Naidu when she was in responsibility and power. During that time, one scholar from Kerala had gone to France. It is none other than the disciple, just like Swamiji Vivekanandaji, Swamiji Nadaraja Guru, disciple of Sri Narayana Guru. He had gone to France from one of the universities of Paris, Sorbonne University. He had done his PhD in philosophy and religion. He came back. He came back and reported to the national leaders, and he was sent to meet Sarojini Naidu, madam. And he had requested for a job, and came the immediate reply, what is your qualification? PhD in philosophy. For people like you, at present we don't have any job in our country. That is one thing which, what did Srinarayana Guru stand for? What did Nataraja Guru stand for? They were trying to find solution to whatever we had been discussing over the last 75 years. Now coming to a meeting between, I will not pronounce the name, a meeting between 3-4 people in which Annie Besant was there. The meeting took place in none other place than the palace of Marthandavarma, other than Marthandavarma Maharaja of Trivandrum. And
Marthanda Varma Maharaja was in his official dress, whereas the people who came to meet were in the very simple dress, and that was the national trend at that time. Everybody followed that. So there was a criticism over the dressing up of the Maharaja. For that, Annie Besant said, objected to continuation of that criticism, and it was obeyed because Annie Besant was very influential at that time. I am narrating these two points because when we are very enthusiastic about certain things which came to our country, we have accepted it, we have assimilated it, we have demonstrated quite a bit of tolerance and patience. And that is our basis of the unity that is going on at present. That's what I feel. I completely 110% agree with today's presentation. We have been seeing it throughout our lives. And very many thanks to the presenter, Dr. Neeraj Atri, for giving us the opportunity to start thinking more deeply into it, going into the history. Thank you very much. Thank you, Dr. Sadananji. Thank you so much. Anyone else who wishes to share his thoughts and any comments? Namaskar, sir. Ji, namaskar. मैं दीप्तिमा शुक्ला हूँ और जयपुर में कनोडिया कॉलेज में पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस. जी मैम. तो मैं ये कहना चाहूंगी, वैसे तो आज का आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमें इस विषय के बारे में समझाया. मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैम, मैं एक मिनट बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगा. मैं थोड़ा आपसे अनुमति लेना चाहूंगा, मुझे अभी कोई मीटिंग मेरे ऑफिस में मुझे कन्वीन करनी है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल. नमस्कार जी. जी सर. जी दीप्तिमा जी. ओहो, अच्छा वो मैडम आप प्लीज कंटिन्यू. वो अच्छा अच्छा, उनको लीव करना था. ओके. मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है कि हमें अब इतिहास को बदलने की जरूरत है, और जब तक हम इतिहास को बदलेंगे नहीं और सही तरीके से इस वर्ण व्यवस्था को प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक ये जो इतिहासकारों ने अभी तक रचा है, और मैं तो स्टूडेंट से डे टू डे डील करती हूँ, तो वो हर बात पे यही कहते हैं कि मैम ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने वो कर दिया, और इस तरीके की मनुवादी बातें, मनुवाद को बहुत ज्यादा वो क्रिटिसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, वर्ण व्यवस्था को क्रिटिसाइज करते हैं. तो जब तक हम उनको, बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, स्कूल से सही बात नहीं बताएंगे, वर्ण व्यवस्था को सही रूप से नहीं प्रस्तुत करके बताएंगे, तब तक उनकी मानसिकता वही बनी रहेगी. दूसरी बात ये है कि ये तो इतिहास की बात है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है कि ये एक असलियत बताई जाए सभी को, स्टूडेंट्स को खास तौर से, बच्चों को खास तौर से, कि इतिहास अलग चीज है और जो ये समसामयिक व्यवस्था है वो अलग है. अभी जो कंटेम्परेरी टाइम्स में चल रही है, आज चल रही है, वो अलग व्यवस्था है. तो अब जो व्यवस्था है उसको हम किस प्रकार से बदलें, उसको हम किस प्रकार से, जैसा कि आपने भी कहा कि संविधान हमारा है और उसमें कुछ व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से बाउंडेशन सी बन गई है, और जिसकी वजह से कास्टिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है और लोग जाति में बंध के रह गए हैं. तो अब की व्यवस्था को बदलना जरूरी है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पुरानी व्यवस्था और अभी की व्यवस्था को एक सही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है.
जो ऐतिहासिक व्यवस्था है वो अलग थी, वो टाइम्स अलग थे, वो चीजें अलग थी, वो लोग अलग थे, वो विचार अलग था, वो सामाजिक व्यवस्था अलग थी। लेकिन आज की सामाजिक व्यवस्था को बनाने की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हमारे संविधान की है। तो संविधान को किस तरीके से बदला जाए ताकि जो ये एक जातिवाद की जो गलत व्यवस्था हमारे यहाँ बन गई है और जिसके कारण हम, जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे का सरनेम लिखना जरूरी है, तो ये व्यवस्थाएं अब के लोगों को बदलनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतिहास को ढंग से या जो सही इतिहास है वो ना बताएं। लेकिन जो कंफ्यूजन है इतिहास और अब को लेकर, वो कंफ्यूजन को हटाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, इस पे नीरज जी अपनी राय देंगे, लेकिन उससे पहले राम मनोहर शर्मा जी। जी सर, प्लीज अपने को अनम्यूट करें। आपकी चिंता मैडम बिल्कुल ठीक है। हाँ जी जी डॉक्टर सर, मेरी वो आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सर नमस्कार, मैं इस पे वर्ण व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन जो हम बच्चों को देता हूँ मैं अपनी क्लास में, वो ये देता हूँ कि अभी जिस वर्ण व्यवस्था को ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था की वजह से हमारे अंदर फूट आ गई, या वर्ण व्यवस्था को लेकर के हम लोग एक शोषण का माध्यम बताते हैं उसको, जबकि इसका एक बहुत सटीक सा एग्जाम्पल अगर अपन ऐसा देखें कि एक परिवार में चार भाई है और उस चार भाइयों में से एक भाई बहुत बलशाली है जिसके अंदर बहुत ताकत है, एक भाई ऐसा है जिसका जो मस्तिष्क है वो व्यापार वाणिज्य या पैसे को लेकर के बहुत सटीक चलता है, एक भाई है जो बहुत बुद्धिमान है उसके अंदर ज्ञान और इसकी ताकत बहुत अच्छी है, और एक भाई ऐसा है जो स्किल में कुशल है, वो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। तो क्या उस परिवार पर किसी की हिम्मत है क्या कि जब चारों भाई एक साथ रहेंगे तो कोई एनिमी उस पर अटैक करके उनको हरा सकता है? मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक वो चारों एक साथ है। तो एनिमीज क्या करेंगे, उनमें से सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे जो सेवा कर रहा है या जो कौशल का है, क्योंकि उनको पता है सबसे पहले जो सबसे इजी टारगेट है हमारा वो ये है। तो इन्होंने क्या किया, जो शूद्र वर्ण था हमारा उस शूद्र वर्ण को सबसे पहले हीन भावना से ग्रसित किया कि देखो ये तीन तो मजे करते हैं, इसके पास पैसा है, एक बहुत बलशाली है और एक के पास ये कुछ करता धरता नहीं है, सिर्फ पढ़ता लिखता रहता है। इनको अलग कर दिया, इनको अलग करने के बाद सबसे इजी टारगेट अब एक कमजोर हो गया, अब जो बाकी के तीन हैं उनको अपने सर्वाइवल करने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा जो फोर्थ उनसे एलिमिनेट हुआ उसकी तरफ। तो जो प्योरिटी, जो प्योरिटी थी, प्योरिटी ऑफ वर्क की जो बात करते हैं अपन की भी उसका स्किल बिजनेस में था या एक का बल में था, अब वो जो प्योरिटी ऑफ स्किल थी वो वहां पर डाइवर्सिफाई हो जाती है। अब वो तीनों में से पहले तो ये तय करेगा कि उस फोर्थ स्किल की तरफ कौन जाएगा। तो बेसिकली जहां से एक पॉइंट एलिमिनेट हुआ वहीं पर वो तीनों डिस्टर्ब हो गए, और यही इन लोगों ने जो अप्रोच की है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे मुस्लिम, या इनको सपोर्ट किया बाद में ये जो हमारे सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हिस्टोरियन थे, इन्होंने इन्होंने जो जनरेशन आ रही है हमारी उनको उस चीज से की तरफ कभी शिफ्ट होने नहीं दिया, या उनको वो अप्रोच ही नहीं दी कि वो इस चीज को एक कोऑपरेटिव मोड में जाकर के देखे। उन्होंने हमेशा उसको डिसोटिव और एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू था उसको रखा, जो ओरिजिनल चाहे आप इसका अपन ट्रांसलेशन देखे जो एशियाटिक सोसाइटी है वहां पर अपन जाकर के देखे, तो इन्होंने जो फैक्ट्स थे उनको मैनिपुलेट किया बहुत अच्छे से। उसके अलावा इन्होंने ग्राउंड लेवल पर इनका अगर अपन देखें तो जैसा नीरज जी ने काफी जो दिए थे उस फैक्ट्स को देखकर, तो सर मेरी हो सकता है मैं टनल में एंटर कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस क्रैक हो जाए, उसको लेकर काफी मैनिपुलेट किया है चीजों को। तो हमें बेसिकली ये रखना पड़ेगा पॉइंट कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो एक एक्सप्लोरेटरी मोड न होकर के कोऑपरेटिव मोड है, जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी का कोर है। जी 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 बिल्कुल, इस विषय के ऊपर नीरज जी बात करेंगे और इसका उत्तर भी देंगे कि ये वस्तुतः स्थिति कैसे बनी, कैसे बनाई गई। डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी। जी सर प्लीज अपने को अनम्यूट कर लें। जी सभी को नमन। जी बहुत ही एक मेरे मन को छूने वाला
विषय आपने आज लिया है, आपको साधुवाद। नीरज जी ने जिस सूक्ष्मता से विषयों को छुआ, और मैं छुआ जानबूझ करके कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ही इंस्टेंसेस को रख पाए हैं, और ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो जो कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, और जो सत्य है, जो हमारा जो जो फॉर्मल हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई जाती है, जिसको हिस्ट्री कहा जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत है। उसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं और नीरज जी ने उन सबको संकलित किया है और अच्छे से वो उसको जानते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। रविंद्र जी ने एक बात कही कि पासपोर्ट बनाने के लिए सरनेम होना जरूरी है। मैं उनकी इस बात से तो पूर्णतया सहमत नहीं हो सकता, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये जो जातिगत वैमनस्य है, ये जातिवाद जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन फैला रहा है। जो जो सामाजिक वैमनस्य है, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का जो षड्यंत्र है, और उसमें भी विशेषकर हिंदू और सनातन धर्म को लांछित करने का जो काम है, वो धर्म ने नहीं किया, सनातन धर्म ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने नहीं किया, किंतु वो कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है और वो लगातार कर रहा है। अभी एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर एक पिटीशन लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग चल रही है, और उसमें उस माइनॉरिटी स्टेटस को बचाने की दलील देते हुए कपिल सिब्बल आर्टिकल 30 का प्रयोग कर रहा है। जी जी तो ये आर्टिकल ऐसी चीजों को बचाता है और अब तक बचाए रखे हुए है। जब तक इन चीजों से पूरी तरह से अपन पिंड नहीं छुड़ाएंगे, तब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं मानता हूं कि अभी इस बीजेपी गवर्नमेंट ने जितना कुछ कर पाए उतना भी बहुत है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था, चलो एक बात है, वर्ण व्यवस्था की तो इन लोग बात नहीं करते हैं, और बात करते हैं तो उसको कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, कास्टिज्म की बात करते हैं, जबकि जाति न तो कास्ट है और न ही इज्म जो है वो हमारे यहाँ है। जाति व्यवस्था में मैं मानता हूँ कोई दोष नहीं है, और आशुतोष जी और नीरज जी बताएंगे, मुझे लगता है कि जाति तो जात कर्म, और जात कर्म कहते हैं डिलीवरी को, जब बच्चे को, बच्चा जन्म ले रहा है, प्रसव को जात कर्म कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे माता पिता जिन्होंने जिनकी मैं संतति हूँ, उनसे मेरा एक संबंध मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, मेरी पहचान के साथ जुड़ा रहे, उस संदर्भ में संभवतः जाति, क्योंकि जाति शब्द तो आया है, जाति रही होगी, किंतु कास्ट सिस्टम नहीं है। और इस बात को और जस्टिफाई करने के लिए, हमारे यहाँ तो अभी इस क्षेत्र में तो नहीं है, किंतु जैसे नरेंद्र मोदी जो नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी करके नरेंद्र मोदी का नाम है, तो वो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी जोड़ते हैं, तो वो उनकी पहचान है, और उस पहचान में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई उसमें अनुचित नहीं है। तो मुझे लगता है समय कम है, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी वेदनाएं हैं, किंतु इन्हीं पर आगे टिप्पणी मैं चाहूंगा नीरज जी की, आशुतोष जी की, और फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब समय पीड़ा का नहीं है, दो अब पीड़ा का नहीं है, पीड़ा से निकल के अब तो व्यवस्था देने का है, उस व्यवस्था को चुनौती देने का है। सिर्फ दो मिनट जी प्लीज। जैसे कि डॉक्टर जयप्रकाश जी ने कहा, जातिवाद को संविधान नहीं बल्कि
राजनीतिज्ञों ने बढ़ावा दिया है और उसमें सभी दलों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी बिहार में जब जातिगत आधार पर जनगणना हुई उसमें सभी दलों ने उसका समर्थन किया है इंक्लूडिंग बीजेपी, इसलिए किसी एक दल को मैं दोष नहीं देता। और वो जो जातिगत व्यवस्था है संविधान में तो सर आर्टिकल क्या कहा गया उसमें सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस शब्द था, लेकिन क्लासेस की चूंकि हम परिभाषित या गणना नहीं कर पा रहे थे तो काका कालेलकर से होकर मंडल आयोग तक और उसके बाद सभी जगह पर फिर हमने जातियों का वर्गीकरण कर दिया और भी ज्यादा, वरना तो वहां संविधान में तो मूल संविधान में एससी और एसटी का तो है जिक्र, अन्य जातियों का नहीं था, बैकवर्ड कास्ट फिर ओबीसी फिर फला। तो ये जो मैं चाहूंगा कि एक वेबिनार आशुतोष जी आप इस पर भी रखवाएं ताकि इस चीज को हम बहुत स्पष्ट रूप से कर सकेंगे। जी जी डॉक्टर साहब जरूर लेंगे, क्योंकि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर उसकी समीक्षा जो है वो हम लेंगे जरूर इस विषय को। वन व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था पर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ले लेंगे। जयप्रकाश जी एक एक सेकंड, प्रश्न ये है कि जो जातियों के सो कॉल्ड कास्ट के शेड्यूल बनाए उस तो फिरंगी ने बनाए, तो भारतीय संविधान में उस शेड्यूल्ड को उस शेड्यूल्स को वो शेड्यूल्ड कास्ट को उस ढंग से भारतीय समाज को व्याख्यायित करने की आवश्यकता क्यों थी? मैं संविधान को इसलिए दोषी मानता हूँ, तो तुम हमने नहीं बनाए थे ना शेड्यूल्स, जो जो डिफरेंट ग्रुप्स के शेड्यूल्स बनाए थे और जिस कारण से बनाए थे वो हम समझ सकते हैं, वो उन्होंने कोई भारत के कल्याण के लिए भारतीयों के कल्याण के लिए नहीं बनाए थे, वो उन्होंने अपने स्वार्थवश बनाए थे, भारत के समाज को तोड़ने के लिए बनाए थे, उन्हीं तोड़ने वाली जो तत्व थे उन्हीं तत्वों को भारतीय संविधान ने अंगीकृत किया, इसलिए मैं संविधान को दोषी मानता हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हम अलग से पूरी चर्चा रखें। जी जी बिल्कुल कर लेंगे कास्ट जाति और वर्ण पे, लेकिन संविधान को जरा भारतीय शब्दावली में लिखते तो ज्यादा आसान हो जाता है, तो वहां शूद्र शब्द प्रयोग कर लेते ना, शेड्यूल कास्ट शब्द की क्या जरूरत थी वैसे, और फिर उसके आगे और पता नहीं क्या क्या गड़बड़ घोटाले से कर दिए तो वो लिख लेते कि भाई ब्राह्मणों ने अत्याचार किए और शूद्र सफरर हैं तो शूद्रों को हम ये रिजर्वेशन देते हैं, ये कर लेते तो क्या दिक्कत थी, लेकिन शेड्यूल कास्ट लिख के तो ऐसा अनर्थ कर दिया जिसका समाधान निकट भविष्य में तो कोई नहीं है, लेकिन चलो उस पे हम लेंगे फिर जब चर्चा होगी। और तदान जी आप दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यस जस्ट आई वांट टू ऐड अ सेंटेंस टू एम्फसाइज दैट व्हाट आई सेड द इंपॉर्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट शुड बी रेकॉन्ड विद, वी हैव टू रेस्पेक्ट द हिस्ट्री the people who have built this subcontinent, and in addition to that we should have the course correction. It is not enough that we recognize the value of the present, the current times, our times. The correction, course correction also can be done side by side, and for that many suggestions came up today. It's very interesting. Thank you very much. Thank you, Ashutosh ji. Thank you. Thank you, sir. Yeah. और किसी की कोई टिप्पणी है तो हम लेते हैं, नहीं तो उसके बाद नीरज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस सारे विषय के ऊपर अपनी बात रखें और इसमें और क्या संभावनाएं हो सकती हैं उस पे हम करते हैं। जी नीरज जी मुझे लगता है डॉक्टर वीरेंद्र ढिल्लो जी आप सर कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर वीरेंद्र ढिल्लो जी बड़े गंभीर और बड़े स्कॉलर हिस्टोरियन हैं। चलिए आप अपनी बात रखें नीरज जी। जी डॉक्टर साहब जो अभी मैं आ रहा हूँ उससे यही है कि हेलो
मेरी आवाज आ रही है? सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया आपको, क्योंकि वो कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। अगर नीरज जी पहले पूरा करना चाहें तो मैं बाद में बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा थैंक यू आशुतोष जी, बहुत ही अच्छा विषय था। और पहले तो मैं माफी चाहूंगा आपसे भी और नीरज जी से, मैं उनको पूरा नहीं सुन सका, कुछ अपनी व्यस्तताएं थी इंस्टीट्यूशन की उसके कारण। बट उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को रखा जितना मैंने सुना। मैंने ज्वाइन किया था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब वो बात कर रहे थे। और देखिए हमें सबसे पहले तो इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो ब्राह्मणी थे, और हमारे संविधान में हर चीज को लेकर चर्चा की गई। क्या पता ब्राह्मण था क्या था सर, हमने तो पंडित ही सुना है। बाकी चलिए वो विवादस्पद विवादस्पद पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता। चलो मतलब आप अपनी बात पूरी कर वो हाँ वो विवादस्पद मुद्दा है, इसीलिए मैंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि वो विवादस्पद मुद्दा है। बट देखिए प्राचीन काल से ही, न केवल पिछले 1300 वर्षों से, प्राचीन काल से ही सो कॉल्ड रिलीजन, जबकि धर्म कुछ और अर्थ बताता है हमें, रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजन में एक दूसरे को लेकर हमेशा फसाद रहे हैं। जब बौद्ध धर्म बहुत विस्तार कर रहा था और जो आज हम अखंड भारत का मानचित्र देखते हैं उसमें बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है इतने बड़े मानचित्र को तैयार करने में, तो उसको भी जब समाप्ति की तरफ जाना पड़ा तो हम बंगाल में और अनेक क्षेत्रों में देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे जो संप्रदाय थे, मैं संप्रदाय शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, उनके साथ उसके विवाद हुए। और शशांक हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है एक राजा का बंगाल को लेकर। और नीरज जी शायद समय की कमी के कारण ग्रांट डफ को नहीं बता सके अच्छे से मराठों के संदर्भ में। ग्रांट डफ एक कॉलोनियल एम्बेसडर कह लीजिए मराठा कोर्ट में था, और एक ब्रिटिश ऑफिशियल भी था जिसने हिस्ट्री ऑफ मराठा 3 वॉल्यूम्स में लिखी है और मैंने अच्छे से उसे पढ़ा है, उसमें उन्होंने काफ़ी, लेकिन जो संदर्भ उन्होंने जेम्स टोड का दिया, देखिए जेम्स टोड वॉज फाइटिंग अगेंस्ट 2 फ्रंट्स, एक तो वो अपने कॉलोनियल मास्टर्स को अपीज करने में लगा हुआ था, और दूसरा वो उन सर्कमस्टांसिस को अंडरस्टैंड करने में लगा हुआ था जो उस समय पर राजपूत कोर्ट्स में थे, राजपूत दरबारों में जो होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जेम्स टोड से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस तरह की बात कहेगा, क्योंकि जो अर्ली ब्रिटिश रिक्रूटमेंट है मिलिट्री में वो सारी तो अपर क्लासेस से है, मेनली ब्राह्मण से है। बंगाल बिहार में जितनी रिक्रूटमेंट होती है बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्मी की, वो मेजरली ब्राह्मण कास्ट से ही है। लेकिन ब्राह्मण जो सोल्जर्स थे उनको जब इस चीज़ का इल्म हुआ कि उनका जो मिलिट्री कमांडर है वो उन्हें गलत दिशा में ले जा रहा है, तब रिवोल्ट की स्थिति आई, और उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन शामिल थी जिसका थोड़ा सा, अगर हम मंगल पांडे फिल्म जो आमिर खान ने बनाई थी उसमें थोड़ा सा उसका एक रिफ्लेक्शन जरूर दिखाया गया है, लेकिन उसको पोर्ट्रे नहीं किया गया है अच्छे से। बट जो मेरी मेन कंटेंशन थी, देखिए हमें हर संप्रदाय को एक डायलेक्टिकल अप्रोच से देखना चाहिए, चाहे वो हिस्टोरिकल है चाहे कंटेम्प्रेरी है जी। और उस अप्रोच में हमें दोनों थीसिस एंटीथीसिस को इवेलुएट करके एक सिंथेसिस बनानी चाहिए जिससे कि हम एक पॉजिटिव और न्यूट्रल इमेज क्रिएट कर सकें किसी भी कम्युनिटी की जी।
और कम्युनिटी से बड़ी बात है आइडियाज की. फ्रॉम एजेस ब्राह्मणिकल थॉट हैज गिवन अ इनसाइट इनटू आवर कल्चर सिविलाइजेशन जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. और जब भी इग्नोर किया गया वो और स्ट्रॉन्ग होकर विचार सामने आया है जी. तो ऐसे में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहना चाहिए वो एक न्यूट्रल और पॉजिटिव डायरेक्शन की रिसर्च बेस्ड थीसिस को पुट करना होना चाहिए. यही मैं सोचता हूँ कि हूँ. थैंक यू सो मच. नहीं बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ. लेकिन उसके लिए यही है कि जो करेक्शंस पहले किए जाने चाहिए उस करेक्शंस को किया जाए और फिर हम बात आगे करें. आपके ज्वाइन करने से पहले भी हम बात कर रहे थे डॉक्टर इरफान हबीब की कि उन्होंने इतिहास किस तरह से लिखा और वो कैसे इतिहास लिखने की ट्रेनिंग देते हैं. इसी तरह डॉक्टर खुराना के बारे में भी हम बात कर रहे थे. तो ये सारी हैं चर्चाएं करने वाली, लेकिन इस विषय को और आगे भी बढ़ाएंगे जब हम हिंदू हिस्ट्री के ऊपर बातचीत करेंगे. और किसी की कोई टिप्पणी है तो अपने साथ साझा कर सकते हैं, नहीं तो नीरज जी अपनी बात कह के आज के इस परिचर्चा को विश्राम देंगे. नमस्ते सर. नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम. मैं ये कहना चाहता हूँ सारी वार्ता सुन के चर्चा सुन के कि इस ब्राह्मणी तव के जो अंश हैं इनको निर्धारित करने में सबसे पहले परिवार और परिवार में जो दंपत्ति हैं उनकी अहम भूमिका स्थापित अपने आप उसने करनी है. क्योंकि सभी संतान ब्राह्मण नहीं हो सकती, उनमें से सबके अपने अपने गुण होते हैं अवगुण होते हैं. जो जिस वर्ग में जाता है जिस वर्ण में जाता है उसी में उसको स्थापित कर लेना चाहिए. ये एक परिवार का मसला है जहां तक मैं समझता हूँ. संविधान को जो है वो आगे जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन हमने अपनी मानसिकता परिवार के आधार पर स्थापित कर लेनी चाहिए. एक बात. दूसरी बात, जो आदमी सारी जिंदगी प्रोफेसर रहा, अच्छा प्रोफेसर रहने के बावजूद भी अपनी जाति को ब्राह्मण, अपने आप को ब्राह्मण नहीं लिख पाया, उसको समाज में इस दिशा में सोचने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करके ये बताना चाहिए, अपने आप को खुद स्थापित करके कि मैं शिक्षक था और मैं उस वर्ग में था और अब मैं ब्राह्मण हूं. तो इस तरह के उदाहरण अगर समाज में स्थापित होंगे तो ब्राह्मण तो आगे भविष्य में एक अच्छे रूप में निकल कर आएगा, नहीं तो ये घुटन में ब्राह्मण तो के को हम पहचान ही नहीं पाएंगे. ये मेरा कहने का एक छोटा सा प्रयास था. सभी को नमस्कार. जी धन्यवाद डॉक्टर साहब. डॉक्टर रोहताश जमदग्नी जी जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं दिल्ली में. तो मुझे लगता है सबकी चर्चा हो ही गई है, सबने अपने अपने मत और अपनी बातें कह ली हैं. तो मैं चाहूंगा कि अब नीरज जी जो हैं इस सारे विषय के ऊपर एक अपनी सम्मति भी दें और क्या इसमें करना योग्य है और कैसे करने योग्य है इस पर भी वो बात रखें. नीरज जी. डॉक्टर साहब मैं तो बस, वैसे तो सारी बातें हो ही गई हैं, लोगों ने अपना अपना इनपुट भी दिया है जी. और मुझे लगता है कि जो आपने शुरू किया है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और जो एक मैं तो कहूँगा पुशबैक देने की आवश्यकता है कि जिस तरह से ब्राह्मणिज्म के नाम यूज करके ब्राह्मणों को मलाइन किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ पूरी सभ्यता को विनाश की ओर ले जाने का प्रयास है. तो हम सबका कलेक्टिव एफर्ट यही होना चाहिए कि जो शत्रु है उसे पहचाने, जो स्वयं है अब स्वयं को भी पहचाने, ताकि ये जो सिविलाइजेशनल बैटल चल रही है उसमें हम सर्वाइव कर सकें. सर्वाइव की बजाय भी थ्राइव कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और बस यही कहना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं कहना चाहता. चलिए ठीक है. और निश्चित रूप से ये एक आधार भूमि अभी तैयार हुई है कि ये बातचीत के
बिंदु हैं जिनके ऊपर आज चर्चा हुई है, इसे बड़े व्यापक रूप में लेने की जरूरत है और कोशिश करेंगे कि हम इस किसी वक्त अगर सामर्थ्य हुआ तो इस सारे विषय को हम एक लिखित रूप में लेकर के आ सकें और रिसर्च बेस्ड हो वो सारा का सारा, और उसके आधार पर हम कोशिश करें कि सही नैरेटिव जो भारत का होना चाहिए, जो कि इंडियन ना हो, भारतीय हो, उस भारतीय नैरेटिव को हम सामने लेकर के आए और उसको प्रस्तुत करें और इस जो नेशन जिसे हम कहते हैं उसे हम राष्ट्र में परिवर्तित कर सकें, जिसमें ना कोई द्वेष है, ना ऊंचा है, ना नीच है, जिस तरह की बातें आज फैला दी गई हैं, जिस तरह का व्यवस्था बना दी गई है कि सभी सभी से लड़ रहे हैं, ये अजीब बात है कि एक भारत है और उस भारत में हर व्यक्ति दूसरे से लड़ रहा है, तो वो सबसे ऊपर उठ करके हम एक भारतीय सोच के साथ चलें और अपनी पहचान को पहचान पे फख्र भी कर सकें, करना बनता है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और ये जो नेगेटिव नैरेटिव हैं इनको तो जरूर चुनौती दी जानी चाहिए। तो अगला भी विषय हम लेंगे जब हम हिंदू हिस्ट्री पे बात करेंगे, और जैसे कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की कि उसकी संस्कृत शास्त्रीय समीक्षा भी हम लोग लेंगे, तो इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जो हम निकट भविष्य में लेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक में एक दो विषय हैं जिसपे मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, तो उसपे खुली चर्चा है। एक तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की डिक्शनरी कैसे बनानी है, तो उस पर हम एक चर्चा रखेंगे, और एक जो मीडिया लिटरेसी, व्हाट इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम संस्कृत शास्त्रास, और ये एक दो विषय हैं जिसपे आप लोगों का सहयोग अगले सप्ताह में हमें आवश्यक होगा। तो निश्चित रूप से आप सभी का निश्चित रूप से आप लोग अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने स्थानों पे जो संभव है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, उसमें आप लोग अपनी आहुति डाल रहे हैं, तो उसी के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और इसी तरह से आप जुड़ते रहें। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि यदि आपने की संस्था इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहती है तो आप मुझे अपना बता सकते हैं, अपने व्यक्ति का नाम और संस्था का नाम दे सकते हैं, मैं उसको इसमें एडअप कर दूंगा। और अगली बार हमारे साथ कई और संस्थाएं भी जुड़ गई हैं, तो अगली बार उनको भी यहाँ पे उपस्थित होंगी, जिसमें से पटियाला यूनिवर्सिटी का संस्कृत डिपार्टमेंट और काउंसिल फॉर क्या कि कुछ तो नाम ही भूल गया तो वो सभी हम एडअप कर लेंगे। तो धन्यवाद है आप सबका, बहुत बहुत आभार आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इस पे चर्चा की और विचार की जो सीमा थी हमारे अपने व्यक्तिगत विचारों की, उस सीमा को हमने अग्रसर किया, तो यही सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम किस तरह से इस लाभ को ग्रहण करते हैं, अपने विचार का विस्तार करते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी। नेशनल यूथ डे टुडे, यस 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 सर, बिल्कुल सबका।